हाथ में कोई शक नहीं सांस लेते हुए देखा मैंने भी है हाथ और पैरों और जिस्म को हरकतें खूब देते हुए देखा मैंने भी है बहुत बहुत स्वागत है ललन टॉप के न्यूज रूम में पीयूष भाई का एक वक्त था जब इस मंडी हाउस में एक सुपरस्टार हुआ करता था जिसके नाटक के टिकट ब्लैक में बिका करते थे ऑटोग्राफ लेने के लिए पास आया करते थे और पास कर डर जाया करते थे कि सर ऑटोग्राफ दे दीजिए मतलब डरते थे कि आपके मतलब इससे ऑटोग्राफ लेंगे कैसे इतना ब्लैक मैं समझ नहीं पा रहा कि मेरे जैसा बंदा जिस पर उसके मोहल्ले के कुत्ते ने भौगन स्वीकार नहीं किया था उसको जो इतना वो मिल रहा सम्मान मिल रहा है मैं डर गया था उससे और डर गया था इतनी भी सफलता में संभाल पाऊंगा कि नहीं ऐसे लगता है कभी यार क्यों बोल दिया था अब बोल देते हैं फिर कई बार बाद में बवाल कट जाता है यार कहाँ कटता है बवाल यार कौन सा कर, कौन कटता काटता है बवाल मैं तो बोल देता हूँ बोल के मैं छुट्टी पा लेता हूँ शुरू शुरू में जब मैंने बहुत ही भेक भरी बातों में बोल दिया था जो नहीं बोलना चाहिए था उसमें कट गया था जब तो तुम्हें भी हेल्प के लिए आए थे क्योंकि तो उस बोलने से पहले मुझसे पूछ लिया करो यूज भाई तो हाँ, हाँ। हमारी औकात क्या है पीयूष मिश्रा इसलिए नाम लिखा था इसका कि मेरी हकीकत ये है एक्चुअली मैं ये हूँ, ये हूँ, ये हूँ, ये हूँ, ये हूँ। इससे इतना कुछ भी नहीं इसके बाद पढ़ लो उसके बाद ना मुझे गाली दो चाहे जो है तुम इज्जत करो फिर भी कोई कहे कि आप हमारे हीरो हैं पीयूष भाई अरे तो बधाई है यार उसको जो है बहुत 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 बधाइयाँ बढ़िया बात है इसको हीरो कराने में उसको मज़ा नहीं आएगा जिंजर मैडम से मिलते हैं आप उन्हें गाना सुनवा रहे हैं कौन सा था वो फिल्मी गाना अरे बहुत सारे गाने थे यार बड़ी, बड़ी बड़ी मेरी मैडम थी वो मैथ्स की टीचर थी कैरल कैरल की थी और मेरा वो पहला प्रथम चुम्बन था जिंदगी का मैं टेंथ में पढ़ता था बहुत हसीन थी यार बहुत हसीन थी सारे लड़के गिरे रहते थे मतलब कि मैडम जिंजर मिल जाए तो हेलो तो बोलते कर बहुत सुंदर थी बहुत प्यारी थी सुंदर ही नहीं थी सब कुछ वो खुद को कोड़े मारने वाला सीन उसका अरे यार ये या अनुराग कश्यप है अनुराग कश्यप नहीं बड़े, बड़े है की <laughs> अपने आप को मारो मैंने कहा क्यों मारू क्या है सीन क्या है बतला तो मुझे नहीं नहीं आप मारो मैं अलग अलग एंगल से शूट कर लूंगा और जहाँ मर्जी होगी वह डाल दूंगा उसने फिर वही किया उसने नवाजुद्दीन की सुहागरात में डाल दिया था इस इसमें बहुत बात होती है कि मुंबई में जो पॉलिटिक्स हो रही है कोई कहता है कि साहब मन की फिल्में नहीं बना पा रहे हैं कई लोग बोलते हैं ओ टी टी के ऊपर प्रेशर इस तरह के एलिगेशन भी लगते हैं नहीं है यार कौन बोल रहा है सब ऐसी हवा में उड़ाई जाती है बकवास सब बना बना रहे रहे हैं हैं अपनी अपनी फिल्म बना है? या बॉयकॉट बॉयकॉट यार बॉयकॉट कहाँ हुआ है किस फिल्म का हुआ है मतलब लाल सिंह चड्डा खराब फिल्म थी देखी नहीं गई पठान है पठान को आप खराब फिल्म कह लो लेकिन देखी गई चली चलवाई शाहरुख ने आप तो अमिताभ बच्चन की भी पार्टी से ऑटो पकड़ के निकल जाते हैं एक ही बार गया था यार तो टंडली हो गया था उनके यहाँ पर मैं टंडली हो गया था बच्चन साहब मेरे पास आ गए मुझसे बात करने लगे भाई कैसे हो कैसे नहीं ट्रांसलेशन में बात करने लगे तो मैंने कहा सर ठीक है सर बढ़िया बात है मैं झेल नहीं पा रहा मैं <laughs> <laughs> मैंने कहा बहुत हो गया मैं इतनी तो तो पी चुका हूँ अब मैं क्या ट्रांसलेसन बात करूँ <laughs> तो मैं जल्दी से गया मैंने कहा तीन चार टिकाई मोटी मोटी सी मैंने कहा बात करो किसी भी बात करो आप वो सुबह याद आ रही थी जब आप सो के उठे और आपको समझ में आया कि तमाम रात आपने एक लाश के साथ गुजारी है एक तो पटरी थी पटरी पर सोने के पाँच छो रुपये पर नाइट लगते थे तो मैं सोया हुआ था तो रात को आया लहराते हुए और बहुत तगड़ी स्मैक मार के आया था कहीं से बड़ा मुझे कर रही थी सुबह जो है मैं उठा तो सबसे पहली शक्ल उसकी शक्ल पर गई और मालूम पड़ा कि जो है आपके मर चुका था लात भर में आपके लाश से आपके वो चादर शेयर करके सोता रहा तो मेरी दम निकल गई वो नाराज़ है ये भूतकाल में कहा गया एक वाक्य हो तो इसकी प्रतीति कैसे हो उसकी नाराज़गी का आलम ऐसा है कि बाप माशूका बीवी दोस्त निर्देशक और दर्शक कोई नहीं बचा कोई नहीं बचा उसके प्रतिभा के ताप से भी किसी के माथे पर पसीना आया तो किसी की आंखों में पानी आया वो नाराज है किससे नाराज है खुद अपने होने से उन सवालों से जो लगातार उसके भीतर बलबलाते रहते हैं उन मक्कारियों से जिनको स्वीकार का उसके भीतर साहस आ गया है वो नाराज है कि मंच की स्पॉटलाइट के नीचे सब कुछ ज्यो का क्यों अविकल सत्य क्यों नहीं कह दिया जाता है और क्यों उसे सभ्यता की चिकनाई के साथ लपेट कर परोसा जाता है वो नाराज है कि हर दफा जब वो नाराज होता है तो उसकी ठीक ठीक माने कोई समझ क्यों नहीं पाता पर मैंने आपसे शुरुआत में कहा यह भूतकाल की बात है ये एक पुराना वाक्य है क्योंकि 2010 में पहली दफा उसे ठीक ठीक अपनी सांस की लय से मोहब्बत होती है वो एक जादू से परिचित होता है जिसका नाम विपशना है और उसके बाद उसके सारे फोड़े एक एक कर फूटते हैं मवाद बाहर आती है कलुष कुछ कम होता है और वो माफिया मांगना और माफिया देना सीखता है पर ये एक निरंतर प्रक्रिया है कैलेंडर को देखकर रोज सुबह सूरज उठता है नो रोज सुबह जिंदगी का नए सिरे से विधान शुरू होता है रोज सुबह रचना कर्म आगे बढ़ता है ये रचना कर्म पानी की तरह है हमें लगता है कि एक विपुल राशि है जो तैयार हो रही है एक नाटककार है एक गीतकार है एक एक्टर एक है एक, एक इंसान है एक डायरेक्टर है एक परफॉर्मर है पर उससे पूछिए तो वो यूं गर्दन मोड़ के झटकता है जैसे बथक ने पानी से अपना निर्वात कायम कर लिया हो निर्मोही हो गया हो वो एक ऐसा व्यक्ति है जो कहता है अपने आखिरी समर्पण में अपनी पहली से लेकर अब तक की सारी कृतियों के की और उन दोस्तों को जो कि कम बहुत सारे हैं ललन टॉप के इस प्रोग्राम गेस्ट इन द न्यूज़ रूम में आज के हमारे जो मेहमान हैं मेहमान इसलिए क्योंकि नाम में गेस्ट इन द न्यूज़ रूम है वो मेहमान कतई नहीं हैं हम ना उन्हें उनके नाम से बुलाते हैं ना सर कहते हैं ना दादा कहते हैं क्योंकि पूरी दुनिया ने मान लिया है कि उनका एक ही संबोधन है बहुत बहुत स्वागत है लल्लन टॉप के न्यूज़ रूम में पीयूष भाई का थैंक यू सो मच ये कई दर्शकों को रुचि रहती है कि आप टीपी पे लिखा बड़ा अच्छा पढ़ लेते हैं कई लोग कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कोई टीपीपी पी नहीं है जो भीतर है वो बाहर निकल आता है हुँ, हुँ, अच्छा बहुत सारी किताबें हैं अच्छा बोलता है बोलने लगा <laughs> <सस्वार>। <laughs> बहुत सारी किताबें हैं पीयूष भाई की लिखी हुई पर इनका जोर है ठीक भी है कि ये जो सबसे अभी आई है किताब तुम्हारी औकात क्या है पीयूष मिश्रा ये किताब का शीर्षक है जो कि इनकी ही एक कविता का शीर्षक था और दो मित्रों ने सुझाया जिसमें से एक राहुल गांधी भी हैं और इससे पहले कि आप राहुल गांधी नाम पर चौंकें आप पीयूष मिश्रा की आवाज में हा 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 तीन बार सुन लें जैसा इन्होंने एक किताब की भूमिका में उनका जिक्र करते हुए कहा था राहुल गांधी इनके सहायक हाँ इनके मैनेजर इनके साथी हैं और कुछ राहुल गांधी राजनीति के बाहर भी होते हैं ये आत्मकथा है हालांकि कानूनी पेचीदगियों से बचने के लिए पीयूष मिश्रा ने इसको आत्मकथा नहीं कहा है आत्म आत्मकथात्मक उपन्यास कहा है पर पेचीदगियों से इतर ये इतने ईमानदार रहे हैं कि नाम के सिरे यूँ छोड़े कि आपको अंदाज़ा लग जाए कि, कि किस किरदार की बात हो रही है तो विशाल भरद्वाज का नाम संबल भरद्वाज हो जाता है मनोज वाजपेयी का नाम समर वाजपेयी हो जाता है और इस तरह से पूरी दुनिया आपके सामने खुलती जाती है और खुद पीयूष मिश्रा संताप त्रिवेदी और फैमलेट हो जाते हैं चूंकि किताब पर ज्यादा बात करनी है ऐसा आपका निर्देश है और और ये बात बात मैंने करो, और भी बात करो लेकिन किताब पर बात बात करो किताब किताब पर पर भी करें ज्यादा बात करेंगे आपने इस किताब के सिलसिले में एक कार में बैठ के इंटरव्यू भी दिया था दिया था ना हाँ दिया था मैंने इंटरव्यू दिया था कार में बैठ के काफी चर्चित हुआ था मुझे मालूम नहीं चर्चित हुआ था या नहीं लेकिन उन्होंने काफ़ी विस्तृत में लिया था मेरा इंटरव्यू वो किताब के, किताब किताब के के वक्त ही हुआ था मैं तो किताब आई हुई थी, थी उस वक्त उस वक्त लिया था उनका वो काफ़ी चर्चित होता उनका वो चर्चित है उनका फॉर्मेट बड़ा चर्चित जी, वो हाँ कि किताब में बैठ के लेते हाँ। हैं इंटरव्यू अलग अलग जगह घूमते हैं तो लिया था मैंने बोल दिया था जैसे बोलता हूँ मैंने बोल दिया चर्चित हुआ नहीं हुआ मुझे मालूम ऐसे लगता है कभी यार क्यों बोल दिया था अब बोल देते हैं फिर कई बार बाद में बवाल कट जाता है कहाँ कटता है बवाल यार कौन सा कट, कौन कटता काटता है बवाल मैं तो बोल देता हूँ छुट्टी पा लेता हूँ उस बात खत्म हो गई इक्का दुक्का बार शुरू शुरू में जब मैंने बहुत ही भैक, 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 भैक बातों में बोल दिया था जो नहीं बोलना चाहिए था उसमें कट गया था बवाल जब तो तुम भी हेल्प हेल्प के लिए आए थे की उस बोलने से पहले मुझसे पूछ लिया करो पीयूष भाई तो हाँ तो बाकी जो है बाकी यार क्या छुपाना क्या क्या मतलब क्या पंद्रह साल में मर जाना है मतलब क्या के जो अंदर का जहर है बाहर कर दो ना यार मवाद फूट जाएगा फूटे फूट जाएंगे इस नावल को लिख के बहुत हल्का हो गया बहुत हल्का हो गया मतलब हर चीज़ व्यक्त कर दी दुनिया ने मुझे भगवान मानना शुरू कर दिया था एक पूरी जनरेशन थी जो मुझे भगवान मानती थी पीयूष भाई ने ये किया है पीयूष भाई ने आर्भ में प्रचंड लिखा है पीयूष भाई ने घर लिखा है पीयूष भाई ने हुसना आप हमारे हीरो हैं पीयूष भाई आप हमारे ही हीरो उन्होंने सबने बोलना शुरू कर दिया था कि आप हमारे हीरो उनको बतलाना उनकी गलत समय तोड़ना बहुत ज़रूरी था ये नॉवल लिख के तो मैंने इसको बतलाया कि मेरी औकात क्या है मैं ये करके आया हूँ आपके इसके बाद तुम पढ़ लो पहले उसके बाद तुम्हारी मर्जी इज्जत करना करो वरना मत करो लेकिन ये करके आया हूँ मैं मेरी औकात ये है तुम्हारी औकात क्या है पीयूष मिश्रा इसलिए नाम लिखा था इसका कि तुम्हारी औकात किया है पीयूष मिश्रा ये नंगे तौर पर मैंने मैं उल्टी करना चाह रहा था कागज़ पर तो मैंने उल्टी कर दी मैं नितान ही उल्टी करना चाह रहा था कागज़ पर और मैंने उल्टी कर दी कि मेरी हकीकत ये है एक्चुअली मैं ये हूँ ये हूँ ये हूँ ये हूँ ये हूँ इससे इधर कुछ भी नहीं

कौम्ण, कौम्ण नहीं तो मेरी ऐसे करी है वही ट्रिप वही दौर था जब कम्युनिस्टों ने दबोचा हुआ था मेरे को कि काम करो कम्युनिस्टों ने 20 साल जो है मेरी जिंदगी पकड़ में लिया शहर दिल्ली में शहर दिल्ली इस शहर दिल्ली में परिवार अरे गंदी चीज है माँ गंदी चीज़ है बाप गंदी चीज है परिवार गंदी चीज है तुम्हें समाज के लिए काम करना आप समाज के नहीं है क्या वो भी समाज के हिस्से हैं हाँ। तो नहीं नहीं समाज के हिस्से अलग होते हैं ये संदेश अलग कुछ और है समाज कुछ और है क्रांति कहीं से आएगी लाल बत्ती भी ठहरी हुई है अभी तुम देखोगे अभी आएगी क्रांति दौड़ती हुई आएगी और लगातार लगातार बीस साल तक मुझसे काम करवाते रहे। और जो है पैसा कमाना पाप है जो पैसा कमाता है वो पूंजीपति कहलाता है कैपिटलिस्ट हो जाता है पैसा कभी मत कमाना मैंने कहा नहीं कमाऊंगा सर सब को झोंक दिया मैंने अब जिंदगी में सब आपको माँ बाप को बीवी को जब मुझे एहसास हुआ कि जब मैं खराब बाप हो गया मैं खराब बेटा साबित हो गया जब मुझे लगा कि खराब ख़राब बाप साबित नहीं होंगे जोश तब बहुत छोटा था मेरा बड़ा बेटा जो था तब मेरे को एहसास हुआ कि यार ये तो पीष भूषा गलती कर रहे हो तुम्हारा सब कुछ ले लिया उन लोगों ने सब कुछ ले लिया और परिवार की कोई कोई कतई चिंता नहीं थी परिवार को फूल जाओ उस वक्त जो है इसमें लगा दो और ये जूनियर कैडेट से इतना खराब काम लेते हैं कम्युनिस्ट की कुछ कहने के एन के कितना खफा होंगे ये सब अरे हो ना खफा मतलब तुम नाम ले दिया इसलिए मैं तुम नाम ले दिया और और फंसोगे तुमको ना हो और खफा हो ना क्यों नहीं हो खफा स्टालिन 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 का भूत स्टालिन का भूत था कम्युनिज्म मतलब स्टालिन होता है एक बंदा होता है जो सबसे सबका सरमौर होता है और जो सारे बंदे जूनियर होते हैं और उस जूनियर को उसका भूत ताकना पड़ता है क्या काम करना है क्या नहीं आज कैसे जीना है आज क्या खाना है क्या पीना है ये जो है हम उससे सीख लेंगे तो वो जो है पूरा स्टालिनिज्म ने कम्युनिज्म का जो है मतलब जो सत्यानाश कर रखा है और कर चुका है वो सत्य था मेरे सामने तो मैं लगातार काम करता रहा इनके लिए लगातार काम करता रहा लगातार काम करता रहा और टूट गया काम कर करके मेरी फिजिकल हालत ख़राब हो गई थी मेंटल हालत ख़राब हो गई थी इमोशनली मैं ड्रेन हो चुका था जब मैंने तय किया था कि मैं अब या उसके बाद भूख बहुत जोर से लगने लगी अचानक लग तो बहुत देर से रही थी लेकिन एहसास नहीं था कि भूख लग रही है एक एक दिन अचानक बहुत जोर से भूख लग लगी तो मैंने कहा यार कि जो खराब बाप तो मत दोनों कम से कम छोटा बच्चा था मैंने कहा यार इनको कमा के कुछ नहीं दिया मैंने आज तक खराब भी हस्बैंड खराब बेटा मतलब सब मेरे मुँह बूढ़े बूढ़े आँखें तक रही हैं मुझे कि भाई हमको तो तुम कम्युनिज्म कर लो अपना कुछ भी कर लो लेकिन साथ में हमको भी कुछ कमा के दे कमा के दे दो उस दिन मुझे एहसास हुआ कि यार ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई उस दिन मैंने जन्मा ज्वाइन करने की ठान ली कि अब मैं जाऊँगा सन्मा उस दिन 2003 में मैं करीब जो सन्मा ज्वाइन कर लिया मैंने और जो है मैं सनमा का हो गया और मैं कैपिटलिस्ट हो गया कैपिटलिस्ट हो गया मैंने फिर खूब फैसला पैसा कमाया और आज तक कमा रहा हूँ और कोई रिग्रेट नहीं है और कमाते रहेंगे कमाते रहूँगा जब तक जिंदा हूँ तब तो कमाता रहूँगा कमा पा रहा हूँ इसलिए कमा रहा हूँ मतलब हर बंदा तो नहीं कमा पा रहा ना मैं कमा पा रहा हूँ इसलिए कमा रहा हूँ मुझे मालूम नहीं था कि पैसे कमा सकता हूँ पहले ये एहसास ही नहीं था कि पैसे भी कमा सकता हूँ पहले एहसास भर दिया गया था मेरे अंदर कि जो पैसे नहीं कमा सकते तो। पैसे कमाना पाप है। पैसे कमाना की थे विचार भर रहे थे क्योंकि आपके आलोचक कहते हैं कि आज पीयूष मिश्रा जो भी है जिस ताप की कमाई वो खाते हैं ये अस्सी और नब्बे का वो ताप है जिसने पीयूष मिश्रा नाम का कल्ट बनाया आप उनकी कलम देखिए उन्होंने उन 20 सालों में क्या रचा है जो आज वो

तो रस में बिल्कुल मैं आपके मतलब सूख गया था मैं बिल्कुल काम 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 और उसके अलावा कुछ ज़िंदगी में चीज़ नहीं है काम नहीं। और शराब दो चीज़ें थी मेरी ज़िंदगी में बस शराब पियो और काम करो और और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं बतलाना नहीं चाहता यहाँ पर कि अयाशियाँ थी ज़िंदगी में तो लगातार लगातार काम करो काम क्या करो। बताने से चूकना सब तो लिख दिया किताब पढ़ लो ना फिर पढ़ लो ना पढ़ लो पढ़ने की क्या बुरी बात है पढ़ के जान दो यार मेरे मुझसे को लोखाना चाहते हो देखिए आपके साथ बात करने में एक खतरा रहता है जो कि बुरा नहीं है कि बातचीत किसी भी दिशा में जा सकती जैसे जब आप ये जवाब दे रहे थे ठीक है कि मुझे बहुत भूख लगी थी तो मुझे वो सुबह याद आ रही थी जब आप सो के उठे और आपको समझ में आया कि तमाम रात आपने एक लाश के साथ गुजारी है तो या तो हम बातचीत को यूं आगे बढ़ा सकते हैं कैसे बढ़ाओ आप आपके मेरे बताइए फिर नहीं नहीं बॉम्बे में था बॉम्बे में मैं बहुत बुरी हालत में था बहुत बहुत ख़राब हालत थी शराब बहुत दिन लगा था एल्कोहलिज्म को लाम का रोग लग लग चुका था जिसमें ये होता है कि अगर आप एक बार पीते हैं एक पैक पीते हैं और आपके शरीर में ज़रा से भी क्वान्टिटी में शराब पहुँच जाए तो आप उसको पूरा किए बगैर नहीं रह सकते आपको पूरा कोडर लेना पड़ता है तो पैसे थे नहीं पास में तो मैं पी के निकला उसके बाद में मकान वाले अपने मकान पर गया जहाँ पर मैं रहता था वहाँ पर मेरे झगड़ा हुआ मैंने वहाँ एक दिन मकान छोड़ दिया उसके बाद फिर मैं दादर गया दादर में जो है बड़ी अजीब व्यवस्था थी सोने की वहाँ पर जो है बैन एक तो पटरी थी पटरी पर सोने के पाँच रुपये पर नाइट लगते थे और पटरी से ऊपर एक फुट ऊपर जो है सोने के दस रुपये पर नाइट लगते थे तो उसमें म वो भेद इसलिए था कि जो है पटरी पर सोने वाले नीचे सोने वाले के ऊपर से गाड़ी अगर कोई आएगी तो सीधी गुजर जाएगी सारे एक साथ जाएँगे और पटरी के ऊपर सोऊंगा तो जो है मतलब बच जाऊंगा तो पन पटरी के वो रात को एक भाई आया करता था बारह बजे वो लात मार के बोला करता था कि आप भड़ू तो आपको हाथ में खुल्ले दस रुपए लेके सोना पड़ता था कि आप दस रुपए दे सक, सको उसको और रात निकल जाया करती थी तो रात को बारह तक तो आपको जाग नहीं पड़ता था भले ही आपको भूख लग रही हो या नहीं लग रही हो आपको जाग नहीं पड़ता था तो ऐसे ही जो है मैं वहाँ सोया करता था तो वहाँ पर जो है इसका मैंशन है इसमें पूरे उसकी किताब में लम्बा चौड़ा मैंशन है कि एक बंदा था सीखिया कहा करते थे उसको स्मैक का गुलाम था स्मैक अगर आपने सुनी हो उसमें बड़ा ख़तरनाक मचा था तो उसमे का गुलाम था वो आके रोता था मेरे पास में कि संताप भाई मैं पीयूष संताप लिखा है उसमें मेरे बोला करता था कि पीूष भाई मैं खाने के में नहीं रह सकता हूँ मैं स्मैक में नहीं रह सकता उसको ये हालत वो बहुत पतला था बहुत पतला सीखे कहा करते थे मैं तो एक रात को आए हज़रत वो मैं रात को सो रहा था वहाँ आखिरी पैसे जा चुके थे मेरे अगले दिन क्या खाऊँगा क्या नहीं पीऊँगा ये सवाल मेरे सामने था तो आके जो है हज़रत वो उसके पास हाँ उसके पास एक चादर थी चादर थी जो कि जो है सर्दियों के दिन चल रहे थे तो बड्रा उसमें आ, हम थे दादर वेस्ट में दादर वेस्ट में सितंबर अक्टूबर में वहाँ पर सर्दियाँ आ जाती हैं रिक्लेमेशन एरिया है वो सर्दियाँ आ जाती हैं तो मैं सोया हुआ था तो रात को आया लहराते हुए और बहुत तगड़ी स्मैक मार के आया था कहीं से बड़ा लग रही थी तो मैंने देखा मैंने बुलाया मैंने चा, चादर दे वे थोड़ी सी चादर दे चादर मैंने ली चादर मैंने ओढ़ी और जो है मैं सो गए हम दोनों भाई भाई बन के सुबह जो है मैं उठा तो उसके सबसे पहली नज़र उसकी शक्ल पर गई मेरे पास सोया था वो सबसे पहली शक्ल उसकी शक्ल पर गई और मालूम पड़ा कि जो है आपके मर चुका था वो रात भर मैं एक लाश के संडे में सोता रहा रात भर मैं आपके लाश से आपके वो चादर शेयर करके सोता रहा तो मेरी दम निकल गई उसके बाद मैं ऐसा भागा हूँ कि आज भी अगर ट्रेन निकलती है दार वेस्ट से तो मैं उस तरफ नज़र नहीं करता उसके बाद सीधा फिर बॉम्बे बॉंब, से दिल्ली आ गया उसके बाद यहाँ पर एक्ट वन खुला उसके बाद बातें अलग थी उसके बाद बहुत काम किया बहुत काम किया बहुत काम किया लेकिन ये इट इज़ वन ऑफ द इंसिडेंट्स जो कि जो है मतलब मैंने इस किताब में मैंशन किया वन ऑफ द इंसिडेंट्स ऐसे बहुत सारी चीज़ें हुई हैं ऐसे बहुत सारी चीज़ें घटनाएं घटी हैं जो कि आपको बतलाऊँगा तो रात हो जाएगी तो इससे बेहतर ये कि आप किताब पढ़ लीजिए पर जो किताब में नहीं आ पाया वो तो बता दीजिए किताब में नहीं आ पाया किताब में एक एक इंसिडेंट नहीं आ पाया जब मैं यहाँ से गया था जब मैं यहाँ से निकला था दादर वेस्ट से तो दादर वेस्ट से निकला और मैं ट्रेन लोकल में चढ़ा टिकट के पैसे नहीं थे तो नहीं दिए अंधेरी में उतरा अंधेरी में उतरा सुबह का वक्त था मुँह अंधेरे का वक्त था तो अंधेरे में उतरा तो बड़ा गंदा इंसिडेंट है यार वहाँ पर उतरा और ऑटो के पैसे भी नहीं थे तो ऑटो पर लाइन लगी हुई थी वहाँ पर और बड़े संख्याबद्ध तरीके से ऑटो आते हैं एक, एक एक करके जो है मतलब ऐसा नहीं है यहाँ कैसे नहीं है तो एक ऑटो में जो है आपके उसने कहा कि आ जाओ मेरे पास पैसे नहीं थे तो एक ने एकदम से एक ऑटो आके रुका उसमें एक लड़की बैठी हुई थी बहुत ही खूबसूरत लड़की थी उसने कहा कि आ जाओ मैंने कहा कि आप मैं कहाँ जाएंगे कहने लगी मैं आपको कहाँ जाना है मैंने कहा मुझे जाना है लुखन वाला कहीं तो मैं उतर जाऊँगा तुमने कहा आ जाओ तो इतनी हंसी लड़की थी मुझे बुला रही थी मैं मना नहीं कर पाया मैंने कहा बहुत ही अच्छी बात है क्या लिफ्ट मिली है और पेट में दाने का भाव पाँच छः दिन से खाया कुछ नहीं था तो बैठ गया वहाँ पर एक जगह मैंने कहा मैडम मेरे को बहुत भूख लग रही है उन्होंने कहा मैं सब कुछ कर दूंगी तुम मेरे साथ चलोगे कमरे में अरे मैंने कहा कह, मेरे को भूख लग रही है ऐसे किसी करा गया कमरा मेरे को भूख लग रही है खाना खिलाओ तो तुमने कहा चलो मेरे कमरे में कमरे में ले गई वो वो फ्रिज में से निकाला उसने खाना मारा सब सब कुछ खिलाया मुझे और वो इतना थका हुआ था मैं कि वो खाना खाने के बाद में मैं और थक गया एकदम से खाना चला जाए जा आपके पेट में और आप बहुत दर उस भूखे हो तो आप थक जाते हो तो मैं थक के गिरने वाला था कि उनका गिरना नहीं है अब ये गंदी बात है सुननी पड़ेगी फिर जी बताइए गंद गिरना नहीं है अब तो मैंने कहा मैडम मैं मैं खड़ा नहीं रह पा रहा कमजोरी की वजह से मैं इतना खाना खा लिया ऑट लिया मैंने खाना भू ऑट लिया मैंने खाना मैंने कहा मैं गिर जाऊंगा आप प्लीज़ जो है आप मुझे सोने दीजिए आप मुझे शाम को जगा दीजिएगा आप जो कहेंगे मैं करूंगा उन्होंने कहा नहीं अभी गिरना नहीं है इट नॉट ए टाइम टू फॉल डाउन अभी चलो जो करना है वो करो मैंने कहा मैडम मैं कुछ नहीं कर सकता प्लीज़ 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 प्लीज मेरे को जाने दीजिए तीन चार बार ये हुआ उसने मेरे सीने पे एक लात मारी बड़ी भयंकर तरीके से आराम जादे तेरे को लेकर आई थी मैं तेरी ओकात क्या है तेरे को मैंने नचली खाना खिलाया मैं पीछे घूम गिर पड़ा उन्होंने कहा गेट आउट यहाँ से बहुत तगड़ी लात थी तो वो खाना खाया हुआ था मैं नशे में था बुरी तरीके से झूल रहा था उठा नहीं जा रहा था जैसे जैसे करके मैं बाहर निकला खाने की तरक्की थी लेकिन मैं अधमरा सा जो है मतलब अपने दोस्त के पास गया और वहाँ जाकर सो गया तो ये भी इंसिडेंट हुआ है उसको कैसे बयान करूँ ये अच्छा हुआ ख़राब हुआ कैसे बयान करूँ उस महिला को कुछ चाहिए था वो मेरे पास था लेकिन मैं दे नहीं सका उसको तो ये भी हुआ है ये इसमें मैंशन नहीं आप जब उस मैक्ची के चेहरे का बयान कर रहे थे तो मुझे किताब के बिल्कुल शुरुआती हिस्से में आप अपने पिता के चेहरे को देखकर भड़बड़ा के उठते हैं एनएसडी के हॉस्टल मेंट गुच्च गुच्च्च की शानदार परफॉर्मेंस सब तरफ की वाहवाहियों के बाद और डर जाते हैं जरा बताइए हमने बड़े किस्से सुने हैं देखिए कि एक वक्त था जब इस मंडी हाउस में एक सुपर स्टार हुआ करता था जिसके नाटक के टिकट ब्लैक में बिका करते थे उस सुपर स्टार का नाम पीयूष मिश्रा था उस परफॉर्मेंस का नाम एन इवनिंग विद पीयूष मिश्रा था जिसके बारे में आपने विस्तार से लिखा हाँ। भी है, एन से लड़ाई फिर ये करना एक ब्रेक दो ब्रेक किस तरीके से हाँ। पर वो सिलसिला तो हेमलेट से शुरू हुआ और इसीलिए आपने खास तौर पे उस व्यक्ति का नाम लिखा है उसका समर्पण दिया है

जितना तो पॉजिटिव आदमी था तो बहुत ही दुर्दांत आदमी था बीस साल के जोश था उसके अंदर सत्तर साल का बूढ़ा था और जब अंदर घुसता था तो एक्टिंग के एक्टर्स के समुदाय में खौफ पैदा हो जाया करता था इतना खतरनाक डायरेक्शन था अंदर से निकलवाना एक्टर के लिए अंदर से निकलवाना उसके लिए जो है बिल्कुल टॉर्चर चैंबर था एक्टर के लिए क्या करता था तो अरे यार क्या बोलूँ मैं क्या बोलूँ मतलब आपके उसको हिंदी नहीं आती थी उसको वो कन्नड़ में नाटक कर चुका था हिंदी में नाटक कर चुका था छत्तीसगढ़ी में नाटक छत्तीसगढ़ी में नाटक कर चुका था बुंदेलखंडी में नाटक कर चुका था उर्दू में नाटक कर चुका था और उसको इन भाषाओं का एक लफ्ज समझ नहीं आता था स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट थी उसके पास में अपनी याद करके आता और एक एक वर्ड में आप उसे चीट नहीं कर सकते एक कहीं एक वर्ड बदल गया तो बोलता कि ये ये वर्ड बदल गया और आपको टॉर्चर चैंबर में डाल दिया करता था मतलब डायरेक्शन इतना खतरनाक था उसका कि मैं मैं जब सेकंड ईयर में हैमलेट कर रहा था तो थर्ड ईयर में किरण कुलकर्णी मुझे याद है कि दो प्ले करवाने आया था वो तो थर्ड ईयर में किरण कुलकर्णी थे ये की 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 बात बात, तो 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 बात। है। फिर परफॉर्मेंस तो किरण कुलकर्णी करके हमारा एक सीनियर ईयर में वो कर रहा था उससे गैलीलियो हो नहीं पाया हो नहीं पाया तो उसने उसने तार अपने बिजली का तार के अपने आप को शौक दे के मारने की कोशिश करी एस डी अगर क्लासिकल कैरेक्टर मिल जाए और आपसे हो नहीं पाए तो उस बहुत बड़ी दुरक्षा होती है इतना बड़ा, इतना बड़ा अभिशाप है एन में क्लासिकल कैरेक्टर मिल जाए मिल जाना और आप फिर भी नहीं कर पाए उसको तो आप अपने आप को जान से खत्म कर डालोगे क्योंकि आपको मालूम है कि ये मौका आपके हाथ से गया सुपर बनने का जो कि मेरे साथ भी हो रहा था में कर नहीं पा रहा था पच्चीस सप्तम्बर 25, 25 दिसंबर दो उन्नीस सौ चौरासी मैं नहीं कर पाया उसको बहुत मैं सूख गया था यहां पर गड्ढे आ गए थे मैं थक गया था मैंने कहा यार मैं क्या करूं मैं

तो उसमें जो है मैंने परफॉर्म किया तो वो बहुत खुश हुआ वो परफॉर्मेंस ऐसा हुआ फर्स्ट जनवरी को वो परफॉर्मेंस पता नहीं क्या हुआ था मतलब आपके पता नहीं क्या हो गया था यार कुछ कुछ सुर लग गया था पता नहीं क्या सुर लग गया था मतलब उसके जाने के बाद में मैं बहुत सोचता रहा कि यार मैं ये दोबारा कर दूंगा क्या लेकिन हिम्मत नहीं हो पाती थी मतलब वो हैमलेट जैसा हुआ था मतलब उसको लगातार शोज बढ़ा दिए गए नौ शोज़ बढ़ गए इसके और सब लोग देख बॉम्बे से देखने आए थे लोग बाग उस कि कुछ चीज़ हो रही है हैमलेट तो कोई बंदा है पीयूष मिश्रा वो परफॉर्मेंस कर रहा है तो मैंने इसके बारे में पूरा स्पष्ट लिखा है इसमें कि जो इतना गर्माता हुआ परफॉर्मेंस था वो इतना दहल जाने वाला कि लोग बाग मेरे ऑटोग्राफ लेने के लिए पास आया करते थे और पास कर डर जाया करते थे कि सर ऑटोग्राफ दे दीजिए कंपन था लोगों में मतलब डरते थे कि आपके मतलब इससे ऑटोग्राफ लेंगे कैसे इतना बड़ा एक्टर मैं समझ नहीं पा रहा कि मेरे जैसा बंदा जिस पर उसके घर घर के मोहल्ले के कुत्ते ने भोग स्वीकार नहीं किया था उसको जो इतना वो मिल रहा है सम्मान मिल रहा है हर बंदा बोल रहा है कि यार पीयूष मुश्रा पीयूष मुश्रा पीयूष मुश्रा मैं डर गया था उससे और डर गया था इतनी भी सफलता में संभाल पाऊंगा कि नहीं तो ये था उस वक्त का आलम उस वो उसी ने उसी के बाद में जो है उसके नौ उसके करीब जो है एग्जैक्टली दस साल बाद मैंने ये, किया था कि दा 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 ये सब ये होता गया इसके बाद फिर मैंने बिल्कुल मेरा हौसले बहुत बढ़ गए उसके दस साल बाद मैंने अरविंद गौड़ के ग्रुप से ये परफॉर्मेंस किया था एनिविन उसमें तीन घंटे के सोलो परफॉर्मेंस थे तीन घंटे में अकेला स्टेज पर था एक घंटे के तीन पीसेस थे तीन घंटे मैं अकेला स्टेज परफॉर्म करता था तीन घंटे चलता था वो परफॉर्मेंस और वो जो है मेरा हाईलाइट था मतलब हाईलाइट था उस वक्त मुझे होश नहीं रहा करता था शरीर बहुत ख़राब हो चुका था शराब बहुत जा चुकी थी अंदर कुछ होश नहीं था किसी का बीवी का होश नहीं था बच्चे का होश नहीं था खाली परफॉर्मेंस कर रहा था मैं सिर्फ परफॉर्मेंस कर रहा था मेरे दिमाग में और कुछ नहीं था एक्टिंग को हर चीज़ पर एक्टिंग के बारे में मुझे सब कुछ जानना है एक मीनिया था बस एक मीनिया था दिमाग में और कुछ थी नहीं परिवार नहीं घर नहीं कुछ नहीं केवल एक्टिंग के बारे में माइक्रो लेवल तक जाना चाहता हूँ हर चीज़ जानना चाहता हूँ जो चीज़ अवेलेबल है हिंदुस्तान में या दुनिया में एक्टिंग के बारे में वो मैं जानना चाहता हूँ तो ये जो है किया इसके बाद और थक गया बहुत थक गया इसके बाद इसके बाद एक लंबा इम्प्रोवाइजेशन किया कि जो है बड़े रिस्क लिए यार जिंदगी में स्क्रिप्ट नहीं लिखूंगा सब कुछ दिमाग जमावे डालूंगा और हर चीज़ जो है स्टेज पर होगी जो होगी वो 24 मार्च को हुआ था आपके 1989 को इसमें एन एस डी का दीक्षांत समारोह था उसमें किया वो हो गया मुझे लगा या तो पाँच मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा परफॉर्मेंस तो क्योंकि स्क्रिप्ट ने लिखी है और या फिर चलेगा ये वो चला सवा घंटे चला तो हर तरीके से सेटिस्फाइड एक्टर था मैं हर तरह से बस ये था कि पैसे बिल्कुल नहीं थे बैंक बैलेंस ज़ीरो था पेट में दाने नहीं थे शराब चढ़ चुकी थी शराब हवस बन चुकी थी मैं थक चुका था बीवी की परवाह नहीं थी बच्चे की परवाह नहीं थी माँ की परवाह नहीं थी तब इकलौती हुई बच्ची हुई थी हमारे बाकी सब जा चुके थे जन्नत किसी की परवाह नहीं थी सिर्फ ये लोग बचे हुए थे इनकी भी परवाह नहीं थी और मैं सब कुछ कर डालूंगा कॉमरेडों के लिए कॉमरेडों ने बोला कि पैसे नहीं कमाने हैं पैसे नहीं कमाने हैं पैसे नहीं कमाऊंगा इनको दुख नहीं पहुंचाऊंगा हर चीज करूंगा लेकिन जो है मतलब पैसे नहीं कमाऊंगा ये करते 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 ये सीन हुआ कि जो है मतलब दो हजार तीन में अंत है जो है मुझे किसी ने बोला भी कि यार तुम पागल हो साले आपके मतलब पूरे परिवार को तुमने आपके दांव पर लगा दिया तुम्हारा दिमाग खराब है तुम्हारी बीवी है तुम्हारा बच्चा है तुम अब तक इंकलाब की चिंता करते रहोगे इनकलाब करूंगा इनकलाब करूंगा इनकलाब करूंगा इंकलाब हो रहा है कि कहीं तो फिर कहीं जाकर मैं चौंका और तब तक बहुत सारी भूख इकट्ठी हो चुकी थी तकलीफ होने लगी थी यार दर्द होने लगा था जिसम मतलब बहुत थक चुका था बहुत थक चुका था इमोशनली तो इतना डेड हो चुका था इतने परफॉर्मेंस कर लिए थे दो हज़ार तक एटी से लेकर 2003 तक इतने परफॉर्मेंस कर ली थी बीच में एक्ट वन आ चुका था एक्ट वन ने तो बहुत 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 तहल का मचाया उसमें एक्ट वन ने एनके ने और मैंने तो बहुत काम किया साथ में बहुत काम किया साथ में बहुत ज़्यादा काम किया इतना ज़्यादा काम किया कि थक गए इतना काम नहीं करना चाहिए इतना काम किया कि इतना काम नहीं करना ये जो चाहिए जो रिग्रेट आपको है एनके को भी है मुझे मालूम नहीं उसके बारे में मालूम नहीं क्यों मुलाकात नहीं होती अब नहीं मेरी बात नहीं होती दो हज़ार से बात दो से बात नहीं हुई हाँ क्योंकि एक दफा तो मेरे सामने ही बात हुई है 2016 या 17 में 18 से बात नहीं हुई मेरी उससे अलग अलग आइडियोलॉजी है और आई मिस हिम लेकिन मिस हिम लेकिन ठीक है चलेगा मिस भी करूंगा तो चलेगा पर आप जो सबसे माफी मांग रहे हैं सबको माफी दे रहे हैं फिर जो इतना जिगरी है जिसका इतना जिक्र है नहीं है ना जिगरी तो जिगरी है तो रिलाईज करे ना उसने भी कुछ किया था जब मैंने मांगी है तो उसको भी रिलाईज करना चाहिए उसने भी कुछ किया था उसने आज तक कभी उसके शक्ल से दिखा दिखा नहीं कि उसने उसने कभी व्यक्त किया हो कि हाँ मेरे मेरे से भी ऐसे पाप हुए हैं तो अब ठीक है जिगरी है प्यारा है और दोनों का काम एक दूसरे में चल रहा है तो बढ़िया बात चलने दो वो भी अपना मस्त है काम कर रहा है मैं तो खैर खूब काम कर रहा हूँ खूब काम कर रहा हूँ सिनेमा एक्टिंग से ज़्यादा बढ़िया ऑक्यूपेशन दुनिया में नहीं अगर आपका अगर घुट्टी चढ़ जाए तो सिनेमा एक्टिंग अगर आपको करनी आती हो आपके

बॉम्बे जाना हुआ नहीं बॉम्बे मैं वो लेकर गया था कि वापस नहीं जाऊँगा आपके नहीं। तो यहाँ पर हुआ तो फिर तब चन्मा में बड़ा अनकम्फर्टेबल था उसके बाद फिर मकबूल से जो है दो हज़ार तीन में चार चार दो हज़ार तीन में शुरू हुई आपने बड़ी तकलीफ़ के साथ मकबूल की कास्टिंग का अफसाना बयाँ किया अरे यार बड़ा बड़ा मतलब आपके सब बड़े बड़े लोग थे उसमें मकबूल में तो खैर बहुत ही बड़े एक्टर्स थे क्या नसीर क्या ओम ओम क्या पंकज साहब क्या तबूत इरफान के लिए बहुत बड़ा ब्रेक था वो कि जो है मतलब मैं हीरो का रोल कर रहा हूँ इरफान तब वो बहुत मनी एक्ट्रेस मंझी हुई एक्ट्रेस थी नसीर ओम थे ही थे यार पंकज साहब इतने बड़े एक्टर थे मैं बिल्कुल नया था और मुझे मालूम था कि बैंकों का रोल अगर मैं मुझे कर, अगर इससे बड़ा ब्रेक मुझे मिल नहीं सकता मकबूल से बड़ा ब्रेक मुझे मिल नहीं सकता अगर मुझे करना है तो ये डूबे डाई वाला मामला है और शराब अनाब शनाब हो रही थी

तो उसके लिए जब लास्ट लास्ट में कास्टिंग करी मेरी बिल्कुल बिल्कुल सबकी कास्टिंग हो चुकी थी मैं कहा यार मेरे को विशाल को क्या संशय था आपको लेके संशय नहीं था मतलब बाकी कास्टिंग पंकज साहब की कास्टिंग जी नहीं हो पा रही थी एक्चुअली मेजर था अब्बा जी की कास्टिंग पहले शशि कपूर कर रहे थे इस रोल को फिर उसे लगा कि यार ये फिट नहीं बैठ रहे बूढ़े मोटे हैं लेकिन फिट नहीं बैठ रहे उनके मोटापे के इश्म में था ये कि जो मोटा आदमी करेगा इसको फिर पंकज कपूर को रशी साहब ने नाम लिया तो पंकज कपूर को लाए तो पंकज कपूर ने मतलब फुलफिल्ड ऑल द रिक्वायरमेंट उतना बड़ा हाँ, एक्टर है कि वो जहांगीर छोटा सा बंदा है और वो इतना तो लंबा मोटा लगता है कुछ कह नहीं इतनी वो जैसा चाहे ट्रांसफर कर लेते हैं अपनी बॉडी को तो उन्होंने कहा कि विशाल ने कहा कि यार ये मेरा सर भला टल गई और मकबूल भी आपके विशाल ने इरफान एर, एर, की हासिल देख ली थी उसने तो उन्होंने कहा यार ये करेगा ये आप कहे नहीं किसी नहीं हो पा रहा तो ये करेगा के, के डेट्स फंसी हुई थी तो उसने उसकी ये बुझा उतरा दिमाग से तो उन्होंने कहा आप काका हाँ का कौन करेगा तो उन्होंने जो ऑडिशन लिए थे उन्होंने कहा कि ठीक है मैं तेरे को कल बतलाऊंगा उन्होंने आखिरी 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 दिन है वो दिन कैसा बीता मेरा रात को मैंने शराब को शराब पी मैंने कहा शेक्सपियर में सब मेरे सपनों में आया कैसे हो बे तुम तुम्हें तुम रोल करोगे मेरा मेरे पिक्चर में ऐसा पता नहीं क्या क्या हुआ मेरे दिमाग में क्या क्या हुआ उस रात को मेरे दिमाग में अगले दिन सुनो पहुंचा मैंने कहा भाई बोल मेरे, मेरे बाप से बता दे मेरे को कर रहा होने हाँ या ना दोनों बोल दे तो तुम्हें सुख नहीं सुनूँगा तुमने तो कहा तू कर रहा है तो, मैंने तो दिल्ली हाँ, से। दिल्ली से, दिल्ली के दिनों से से परिचय होगा आपका विशाल और रेखा की तो पहले ये म्यूजिक से हिंदू कॉलेज में पढ़ते थे ये लोग तो ये म्यूजिक से ये एक ही बैचमेट थे आशीष विद्यार्थी रेखा भारद्वाज और ये विशाल भारद्वाज और एक हमारा और दोस्त था आपके तो ये एक ही बैच एक ही बैच के थे तो राशि थिएटर की तरफ अट्रैक्टेड था और ये म्यूज़िक की तरफ थे तो इन लोगों ने मेरा एक प्ले देखा था जब शहर हमारा सोता है उसमें जो है इनको मेरा म्यूज़िक बड़ा अच्छा लगा था मैंने कहा यार ये कौन बंदा मलवा आशीष से तो मिलवाया मेरे को तो मैंने इनको और गाने सुनाए अपने तो उसमें जो है मुरीद हो गए काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई वहाँ से दोस्ती चली आई वहाँ से फिर कहीं जाके मकबूल में ख़त्म हुआ ख़त्म नहीं हुई मकबूल से एक नई शुरुआत हुई इससे पहले की किताबों में आपने ज़िक्र किया है जब गगन दमामा बाजियों की आप स्क्रिप्ट लिखते हैं या और दूसरे की तब यह आता है कहाँ है भाई जरा गगन दमामा बाजियों देना पीछे हाँ बोलो बोलो मुझे याद है हाँ नहीं मैं ये क्योंकि आपने विस्तार से लिखा है और वो फिर आ, आ, आपका आखिरी दाव कि मैं आग लगा दूंगा नहीं आखिर ठीक है आग लगा दूंगा मैं एक बार ऐसे किया क्या था हुआ उस, उस, उस डायरेक्टर के कमरे में क्या हुआ था ये तो बता दीजिए डायरेक्टर का नाम ले रहा मैं अभी बिल्कुल आप मत लीजिए उसने डायरेक्टर ने मुझे बुलाया था कि मैं तुम्हें क्रेडिट नहीं दूंगा तुम अपने पैसे ले जाओ तो मैं गया था वहां भगत सिंह पे बायोपिक बन रही थी नहीं मैंने कहा लिखा है वो तो उन्नीस सौ पर जो है जिसके लिए मुझे बुलाया गया था ये सच था या गलत था वो है इसमें बहुत सारी चीजों की ली गई है मिस्टर द्विवेदी नहीं, नहीं, तो नहीं <laughs> यही ये बदलो, ये बदलो, नहीं, नहीं, था तो मैंने उन्होंने फिर आपके मतलब जो हजरत थे जो जिनका नाम मैं लेना चाह रहा डायरेक्टर उसने मुझे बुलाया था अपने कमरे में आखिरी तो उसी वक्त नसीर में ले थे मुझे नसीर विशाल भारद्वाज के स्टूडियो में तो उन्होंने कहा था कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे अपना तुम्हारा क्रेट चलाएगा तुम कुछ नहीं कर पाओगे तो मैंने कहा मैंने डेढ़ साल तक इसका काम किया है मैं मैं कैसे मान लूँ कि ये मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा और उस वक्त मैं बहुत बज्जर हुआ करता था बज्जर मतलब बहुत बजर बहुत बजर मेरे दिमाग का ठिकाना नहीं था मतलब आप लोग की उम्र नहीं है अभी आप अगर कि आप जान सको कि मैं क्या था उस वक्त उस वक्त मैं बहुत बहुत बज्जर हुआ करता था तो मैंने एक टिकाया पूरा का पूरा हाफ और नीट और उसके बाद में गया मैंने कहा अब तो बात कर भाई और जो है पेट्रोल में ले गया था साथ में एक बोतल में बोतल में पेट्रोल ले गया था पेट्रोल मैंने जो उसकी उस, पे, उस पे पर उस पर टेबल पर लुढ़काया और माचिस ली और जला दी मैंने कहा मैं इसमें आग लगा दूंगा और ख़ुद भी जल के मर जाऊँ अगर तूने मेरे को क्रेडिट नहीं दिया तो उसके बाद उसने आधा देना स्वीकार किया तो इतना तो मिल गया कम से कम मुझे तो वो किस फिल्म के लिए हुआ था वो मैंने मेंशन नहीं किया है और ना ही मैं बता रहा हूँ आपको जी हम अपने अपने हिसाब से आप आकलन लगाते रहिए हैं पगड़ी संभालते हुए अंदाजा लगा सकते हैं हुँ। हुँ। हम लोग एक स्कूल का तो जिक्र कर चुके हैं थोड़ा सा पर थोड़ा और पहले ग्वालियर के स्कूल में चलते हैं जिंजर मैडम से मिलते हैं

तो तुम मेरा एक प्लेट ट्रांसफर कर दोगे ऑल करके है का तो मैं मिल कर दूंगा मैडम बहुत हसीन थी यार बहुत हसीन थी सारे लड़के गिरे रहते थे तो, नहीं you, क्यों so नहीं तो मैं जो है उनके साथ में जो है आपके वो सब कुछ थी तो उनके ट्यूशन लिया करती थी वो स्कूल के बाद में सेकंड बी में तो हम जो है प्ले सुन प्ले करने जाया करता था ना प्ले तो ख़त्म हो गया है पाँच छः दिनों में उस समय बैठे रहे बैठते बैठते पता नहीं कब प्रेम प्रसंग शुरू हो गया तो पहला जो है मेरा मतलब कहना चाहिए कि सेक्स के प्रति पहला जो है आपके वो औरत का शरीर क्या होता है इसके लिए जो मैंने पहली मरतबा जाना कि आपके दिस इज़ फीमेल बॉडी और पहली मरतबा जो है पहला मेरा चुंबन था मैं अभी तक तो याद करता हूँ उसको कि पहला चुम्बन था पहला शारीरिक संपर्क था और और क्या सुनेगा यार? ये नयन भरे भरे हाँ? ये नयन भरे भरे जो आप उनको सुनाते ये नयन हैं। नयन भरे भरे मैंने सुनाया था उनको हम आपकी आंखों में इस दिल को उल्टा दें तो सुनाया था उनको बड़े सारे गाने सुनाए थे भीगी भीगी रात में दिल का दामन थाम ले कौन सा आ सनम मधुर चांदनी में हम तुम रुके तो बड़े बड़े खूबसूरत गाने थे वो बड़ी मोहन थी अरे हमको भी है ये नए सुना नहीं है अरे नहीं यार, आप आप तो आवाज नहीं है अब वो गाने नहीं गा सकता मैं आपके मतलब वो गा लिया मैंने अरे आपके चेहरे में जो नूर अरे आया नहीं यार। यार अरे नहीं यार 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 जिक्र भर से वो तो बस नूर ही है मतलब नूर अब तो मैडम पता नहीं कहां होंगी उस वक्त तो शादी करके बच्चे बच्चे जवान हो गए होंगे उनके तो पता नहीं कहां होंगी तो ये था सीन अरे वो तो वक्त का सिलसिला ऐसा ही है आपके बच्चे जवान हो रहे हैं उनके भी हो गए होंगे नहीं मेरे बच्चे जवान हो जाए उनके नहीं होने चाहिए यार ऐसा लगता है मुझे वो वैसे की वैसे वैसी वो वैसे की वैसे ही रहे जैसे, की, जैसे जो इमेज उनकी थी मेरे दिमाग में ना वो वैसे, तो वैसे दिमाग में तो वही वो ट्रेन से जा रही है ट्रेन से जा हाँ। रही है आखिरी में ट्रेन में जो विदा किया था उनको तो वो वो, वो प्रेम प्रसंग जो पहला प्रेम प्रसंग था मेरा कायदे से कि जो है मतलब जो अधूरा छूट गया तो ये था बड़ा दुखान पेंड हुआ था उसको तुम्हारा सीट तो नहीं बच सकते ना आप ब्रेक लेके पी सकते हैं नहीं आप ब्रेक तो क्या समाज बना हुआ है क्या समा, समा ब्रेक के लिए एकदम हाँ। हाँ। जोर की तलब आई याद आई कि सिगरेट आई याद भी आई सिगरेट भी आई हाँ हाँ याद भी आई यार बड़ी जबरदस्त याद आई यू आर माई फर्स्ट लव ये उन्होंने फुसफुसा के कहा था हाँ 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 उन्होंने मुझे फुसफुसा के कहा था काश तुम दस दस साल पहले पहले पैदा हो जाते उन्होंने मुझसे कहा था मैं पंद्रह साल का होऊंगा उस वक्त पंद्रह सोलह साल का वो थे पच्चीस की तो उन्होंने कहा था कि भाई काश कि तुम दस साल पहले पैदा हो जाते तो आज कुछ मामले अलग होते और फिर आप अपनी पहली कविता लिखते हैं वो मैंने पहले लिख ली थी मेरे ख्याल से हाँ। जिंदा तुम कोई शक नहीं लेते हुए देखा मैंने भी। वो पहले लिख ली थी याद यार नहीं है मुझे अपनी माँ को देख कर लिखी थी मेरी माँ करती थी तो मैं, मैं था था उनसे कि मैं यार इतना जुल्म आप तो बोला करती थी कम से कम जिंदा तो रहती हूँ अबे ये नहीं है इसमें वो दूसरा दे इसमें भी है ना अबे नहीं है ना तेरे मैं लिखी किसी ने देखी तेजी क्या कुछ काम किया दे कुछ किया कुछ काम किया इसमें ये थी इसमें थी इसमें आपने पूरी नहीं लिखी क्या नहीं पूरी नहीं लिखी तो बोला करती थी कि मैं जिंदा तो हूं कम से कम आपके मतलब जिंदा तो हूं कम से कम जिंदा रहती हूं तो मैं बोला करता था कि ऐसे जिंदा रहने से फायदा क्या तो मैंने लिखी थी कि जिंदा हो हाथ तुम कोई शक नहीं यार, ये सर मैंने लिखी थी सेवंथ में एथ में जिंदा हो हाथ तुम कोई शक नहीं सांस लेते हुए देखा मैंने भी है हाथ और पैरों और जिस्म को हरकतें खूब देते हुए देखा मैंने भी है अब भले ही ये करते हुए होंठ तुम दर्द सहते हुए शख़्स लेते हो अब इतना भी कम क्या तुम्हारे लिए खूब अपनी समझ में जी लेते हो गहराती रातों में उठती कराहट को अंदरी अंदर दबाते तो हो अगली सुबह फिर बरसने को बेताब कोड़ों को दिल में सजाते तो हो गए जमाने की ठोकर को सह के सड़क पे यूं चीखों की जहमत उठाते तो हो गए रोते से गर्दन पे लटकी सी जुड़ते से, से चेहरे पे लटकी सी गर्दन का थोड़ा इजाफा बढ़ाते तो हो गए सोचा कभी है कि जिंदा यूं रहने के मतलब के माने हैं कैसे कहीं जिंदा यूं रहने के माने पे थूके जो जिंदा यूं रहने का मतलब यही बदबू की बलगम को खुशबू की मरहम बता के भरम में हो मलमल मल रहे कीड़ा है वो संग कीड़ों की दुनिया में कीड़ा ही बन के जो हर पल रहे ये मेरा का वर्क था एट स्टैंडर्ड का उस वक्त मेरी उम्र होगी क्या कितनी हो होगी हो सर ग्यारह साल बारह साल की, की होगी सारे दुख के वक्त में वहीं जाया करता था अकेले बैठ जाया करता था मांडरे की देवी थी वहाँ पर घंटे बजते थे क्यों प्रदीप और बाकी दोस्त भी थे वो भी जाया करते थे कई बार बाद में फिर संगनी भी थी बाद में संगनी के साथ जाना शुरू कर दिया था लेकिन प्राइमरली वहाँ वो एक बड़ी सोलह मिलता था वहां पर जाने के बाद में तो ये सीन था और फिर अश्वक घोष का नाटक हाँ, वो भी हुआ जैसे पर हम वो किया वहाँ पर। उसके पहले बाहुबल लड़ाई झगड़ा सीनियर जूनियर बाहर से आया लौंडा हाँ यार रैगिंग हुई खूब सारी मतलब वो सब भी किया हमने खूब सारा किया तो उसके बाद फिर वो नाटक किया पहला वहां से खून का चस्का लग गया पहला नहीं दूसरा था वो पहला तो गवर्नमेंट में किया था एट्थ में उसके बाद वहाँ से खून का चशका लग गया कि जो है अब जिंदगी में करना है तो नाटक ही करना है और मैंने देखा यार कि मेरे जैसे बंदे पर लोग भग तालियाँ बजा रहे हैं मैं बोल रहा हूँ लोकभग तालियां बजा रहे हैं मैं बोल रहा हूँ लोग बाग रो रहे हैं मैंने कहा मेरे जैसे बंदे के जिस बंदे, बंदे को तमाम नकारते थे लोग बाग उस बंदे के कहने पर लोग बाग तालियाँ बजा रहे हैं कुछ बोल रहा है स्टेज से तो दे आर क्लैपिंग दे आर क्राइंग तो ये जो है मतलब बहुत बड़ी चीज़ थी मेरे लिए तो इसने मेरे इन्फिनटी कॉम्प्लेक्स को झुलसाने का काम किया बड़ा इन्फिनटी कॉम्प्लेक्स था मेरे बंदर कि मेरे मेरी बात पर कोई हंसता नहीं है मेरी बात से कोई इंप्रेस नहीं होता तो इसने जो है मेरे को एक्टिंग की तरफ ड्रॉन किया कि जो है मतलब एक्टिंग करनी चाहिए इससे बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस ख़त्म हो जाते हैं दूसरे हुट फर्स्ट में मैंने जो कपड़े पहन रखे थे हुइट फर्स्ट था अरेबियन नाइट्स कपड़े तो अरेबियन अरेबियन नाइट्स के जो है कपड़े बड़े महंगे होते हैं ना बड़े महंगे कपड़े थे बड़े बड़े खुले कपड़े थे तो मैं मेरी ज़िंदगी में मैंने वैसे कपड़े नहीं पहने थे तो वो जो है जब कपड़े पहने तो मुझे एहसास हुआ कि जो है इससे मेरा कॉम्प्लेक्स जो है बहुत जा रहा है और भले ही वक्ती तौर तो पर तीन चार ढाई घंटे के लिए पहने होंगे लेकिन उससे लगा कि जो है मुझे इससे फ़ायदा पहुँच रहा है तो इसलिए मैंने इसको एक्सेप्ट किया और बायदा कहा कि अब जिंदगी में करना है तो एक्टिंग करनी है और कुछ नहीं करना है वहाँ से दिमाग में घुस गया एनएसडी 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 नहीं उसके पहले तो प्रेम भी घुसा प्रेम कौन सा हाँ प्रिय तुम हो निकट निशब्द आ, मेरे पास में श्वास में हो तुम उपस्थित तुम अटल विश्वास में हाँ हाँ क्यों प्रणय का हो निवेदन या निमंत्र दृष्टि क्यों रहे आवेग देह में क्यों रहे ये देह ने मूक बैठे दो ही प्राणी न हो स्मरण क्या है वाणी प्रेम ही बस भू निरंतर काल न बन पाए अंतर स्वर्ग ही तो है छिपाएस अंक है आभास में हाँ प्रिय तुम हो निकट निशब्द मेरे पास में ये मैंने टेंथ में लिखी थी टेंथ या एलेवेंथ में मेरे ख्याल से 11th. 11th, मेरे जब संगनी जिंदगी में आ चुकी थी आप तो मैं संगनी कौन थी नहीं ये तो किताब में आपने लिखी थी तो इन लोगों तो नहीं पढ़ी है कम से कम तो इनके लिए तो हम पर्याप्त सूत्र छोड़ के जा रहे हैं दर्शकों के लिए अपने लाखों चलो चलो, 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 संगनी चले जरा बताइए तो चलो 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 तुम तो पूछो छोटा शहर इतने कस्बे कस्बे की बातें छोटे शहर का प्रेम बड़ा प्यारा होता है यार छोटे शहर का प्रेम बड़ा प्यारा होता कहाँ मिल हाथ कहाँ पकड़ें यही बात मतलब लगातार लगातार मतलब प्रेम पर ठप्पा कैसे मारें ये ये जो है मतलब हम प्रेम करते हैं दूसरे से कुछ तो बतलाएंगे ना खाली बात से नहीं होता हाथ तो पकड़ना पड़ता ना कम से कम हाथ पकड़ने के लिए मौके नहीं मिलते थे हम कहीं गलियों में चले जाया करते थे मतलब आपके सुनसान गलियों में चले गए वहाँ पर जाकर हाथ पकड़ लिया हाथ पकड़ के आगे बढ़ गए मतलब हाथ पकड़ने के तक के मौके नहीं मिलते थे ऐसा था प्रेम ये मेरी संगनी जो है जो मुझसे आठ साल बड़ी थी उन, उनका प्रसंग बता रहा हूँ कि उनसे जो है मेरा प्रेम था मेरा प्रेम था उनका प्रेम नहीं था उनका अपने लवर से प्रेम था मुझे लगा कि मुझसे प्रेम है <laughs> तो वो हुआ वो लंबा चला उसने जो है बड़े अलग दृष्टिकोण दिए प्रेम बड़े अलग पैमाने पर हुआ वो प्रेम वो काफ़ी गहरा प्रेम था और वो आखिरी तक चला जब उसके उनके बंदे ने उनको धोखा दे दिया किसी और शादी जब कर तक कि वो एक चिट्ठी लिख के चली नहीं गई चिट्ठी नहीं लिख के चली गई तब तो उनने आपके मतलब मैं लास्ट तक जो है फिर लास्ट में मिली थी मुझे बहुत वो अभी अभी मिली थी वो तो अभी मिली थी दो हजार अट्ठारह या सत्तर सत, जमशेदपुर सत। से आई थी नहीं जमशेदपुर से नहीं वो भलाई से आई थी भिलाई से भलाई से आई और जब बाप से झगड़ा हुआ बाप बेटे का रिश्ता खत्म आज के बाद सिर्फ सर कहूंगा हाँ पिताजी से मेरे संबंध वही थे मतलब आपके वो कभी समझ नहीं पाए। संगनी प्रकरण के बाद तो, को तो वो, मतलब पसंद करते थे, ऐसी बात नहीं है लेकिन जो है मतलब उनकी नापसंद भी नहीं करते थे तो यही था पिताजी का जो है पर वो कैसा मंजर रहा होगा मतलब मैं उस आंगन की कौद सोचता हूँ है कि आज के बाद बाप बेटे का रिश्ता खत्म और तू सुन माँ को भड़काया ना वर्कअप वरना उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो सकती थी हाँ जिद्दा थी हमारी बुआ जी थी वो बड़ी वो बड़ी खतरनाक महिला थी वह राक्षसी थी मैं पूरी 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 राक्षसी थी पूरी सब कुछ कर दिया करती थी वो पूरा राक्षस थी पूरी राक्षस थी मतलब शेक्सपियर का महकबत पढ़ा किसी ने मैकबेथ तो तीन विच होती है ना उनमें से एक थी

और किसी से बात मत करना और किसी से प्यार मत करना देखना भी मत किसी को अब ये प्यार होता है ये तो के प्यार होता है कि मान से बाहर मत निकलना तुम्हें तो उठा के ले जाएगा तो ये जो है ये ऐसा वाला प्यार था उनका ऐसे वाले प्यार में पले हम और वो रिश्तेदार का प्यार जब पहली बार आपका यौन उत्पीड़न हुआ वो सेवन्थ में हुआ था वो रिश्तेदार का प्यार था प्यार नहीं था वो तो आपके मतलब मैं, मैंने भड़का दिया था उनको तो उन्होंने मेरा पहला जो है मेरा आपने भड़का दिया था उनके हस्बैंड के बारे में लेट हसबैंड के, के, के बारे में बात कर 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 करके कर, उनके लेट हसबैंड के बारे में बात कर करके जो है लगाता, लगातार लगातार आपके हस्बैंड ऐसे थे कैसे थे आपके हस्बैंड कैसे रहे होंगे ये करते करते बहुत परेशान हो गई थी वो तो उनको दोष नहीं मानता मैं उन्होंने जो है मेरा पहली मरतबा मेरा यौन उत्पीड़न उन्होंने किया सातवीं कक्षा में उसके बाद से मैं बहुत अकेला हो गया था बिल्कुल अलग हो गया था दुनिया से तो

मैंने टीचर का पदवी दे दी थी उनको तो बहुत अच्छी राह दिया हर डिसिप्लिन तो, डिसिप्लिन में एक होता है देखने का नजरिया चाहिए हाँ यार वो बड़ा मामूली बातें बोला करते थे बहुत ही कीमती बातें बोली उन्होंने मुझे और बड़ी कीमती बातें बोली बहुत मेरा विवेकानंद से पहली बार परिचय कराने का उनको शे जाता है विभाषना से पहली बार परिचय कराने का उनको शेयर जाता है बहुत सारी चीज़ों से जिंदगी में योग से पहला परिचय कराने का उनको जाता है तो बहुत सारी चीज़ों के विषय में आई एम मैं, वेरी मैं, मच थैंकफुल टू हिम पैंडमिक चले गए बेचारे तो पैंडमिक में उनका अंतकाल हो गया और बहुत गर्व होता होगा उन्हें आपकी यात्रा पे हाँ बाद में गर्व हुआ उनको अच्छा लगा कि जो अब तुम कम से कम बहुत सारी चीज़ निकल आए हो और ये देखना ज़रूरी था तुम्हारे लिए इतना तुमने जो लंबा सफ़र किया इसमें जिन भी चीज़ तुम मिले जिन चीजों ने तुम परेशान किया वो तुम्हारे अवश्य था मतलब होना ही था तुम्हारी जिंदगी तुम में तो उसमें से तुम निकल लिए तो अच्छा हुआ ये अच्छा हुआ ये सब एक साथ चल रहा था संगनी नाटक सब एक साथ चल रहा था यार सब एक साथ शराब सब एक साथ चल तब रहा शराब थी अरे भयंकर थी ग्वालियर तो में ग्वालियर में नहीं थी अच्छा संगनी तो फिर दिल्ली में दिल्ली में भी जिक्र है ना उनका पर उसके पहले एक ऑपरेशन चाय हुआ था बात बहुत गंभीर हो गई थोड़ा सम पेला नहीं नहीं वो इनका था वो एन में जो पढ़ रहे थे हम मैं फ़र्स्ट ईयर में था और दो सीनियर बैच थे तो बंगाली मार्केट जो था वो अक्सर जो है नाथूस स्वीट जो है वहाँ पर चाय मिला करती थी पचास पैसे की तो चाय बंद कर दिया करता था वो हम हम लोगों के लिए चाय बंद कर दिया करता था क्योंकि वेनेसडे के लड़के जाया करते थे वहाँ पर एक पचास पचास पैसे की चाय मंगी दो और तीन चार घंटे शेक्सपियर ब्रेख डिस्कस करते रहे उसकी उस चक्कर में जो है आपके मतलब वो मर जाया करती थी आए और उसको पीक अवर्स हुआ करते थे हम लोग शाम को जाया करते थे तो वो चाय बंद कर दिया करता था तो हम लोगों ने निर्णय किया हमारा एन में जो है मतलब बहुत ही प्रचंड किस्म के जो है बहुत ही ड्रामेटिक रिवेंज लेंगे इस कि सब जाके जो है सत सेवेंटी फाइव बंदे पचहत्तर बंदे जाके एक एक करके हर चेयर को ऑक्यूपाई कर लेंगे और पूरे नाथूस में जो है एनएसडी के बंदे बैठे थे एक टाइम ऐसा आया कि पूरे नाथूस को कैप्चर कर लिया पीक आवर्स में पीक आवर्स में और उसके अंदर पचास पचास ग्राम जो है भुजिया मंगवाई अपने प्लेट में और वो एक एक दाना करके खाने लगे अब वो ए, कितना का हो गया आप शाम को तो मतलब वो संडे था वो, वो वैसे ही तो वो दिमाग ख़राब हो गया उसका मतलब दो तीन घंटे के अंदर तो आपकी मतलब लाइन लग गई उसकी और हमारा जब तक आप डेमोक्रेसी है जब तक आपका डिश ख़त्म नहीं हो जाती तब तो तक आपको निकाल नहीं सकता उठा नहीं सकता तो अंततः जो है आपके चाय खोल दिया करता था इवेंचुअली इवेंचुअली चाय खुली करता कि हम बापो चाय खुली है अब तुम आओ हमारे यहाँ लूटो और तुम चाय खुली है तो उस चक्कर में झगड़ा हो जाया करता था बीच में किसी ने बोला कि यार उठता क्यों नहीं है अब इतने बंदे हैं इतने लड़के हैं तो उनका सामना कौन करेगा अगर झगड़ा करेंगे तो वह तो चलती है स्कूल वालों की हाँ बात तो चलती है स्कूल वालों की तो ऐसे ही झगड़ा हो जाया करते थे पर इन सब के बीच आपको एक एक वो देवी सा अनुभव हो रहा था था आप चलते चलते पता नहीं क्या यार मुझे हुआ करता था बचपन से हुआ करता था क्या था पता नहीं क्या था सब कुछ होता क्या था लक्षण तो बताइए लक्षण नहीं सब कुछ सुन पड़ जाए विपशना के चरम पे जो होता है ना वैसा कुछ था विपासना के चरम पे सांस अमतल हो जाया करती थी हर चीज़ क्लियर हो जाया करती थी हर चीज़ क्लियर हो जाया करती थी जरूर मार्क्स से झुंधड़ से जाया करता था जो विपसना के बारे में बोलते हैं कि अगर तो तो नशा पत्ती भी नहीं करते थे तो उसी उसी था मेरे ख्याल से नशे की अभाव नहीं था मेरे ख्याल से नशे के बाद में कभी नहीं हुआ <laughs> <laughs> हाँ हाँ नशे के बाद में कभी नहीं हुआ वो नशे के बाद में नशे उसमें योग में तो यार सर योग में तो प्रावधान होता है ना पहला पहला अगर आप नशा नहीं कर सकते योग में तो जरूरी है कि आपको नशा नहीं करना तो बीड़ी सिगरेट शराब वगैरह कुछ भी नहीं पिया करता था हुँ. तो उस वक्त जो है हो जाया करता था पता नहीं कैसे हुआ मतलब बचपन से हुआ करता था तीन बार हुआ मुझे उसके बाद फिर होना बंद हो गया उसके बाद अभी तक नहीं हुआ उसके बाद हुआ एक कमाल एक इस्तीफा हुआ और राधे श्याम कथावाचक का नाटक ईयर था था, में और महर्षि फर्स्ट ईयर में था मैं तो म्यूजिक मुझसे पता नहीं कैसे हो जाए गुलाल मुझसे सात दिन में आठ गाने हो गए थे उस कैसे हुआ था आरंभ प्रचंड वगैरह मुझे मालूम ही नहीं सात दिन में आठ गाने तैयार हो गए थे लिखे कंपोज्ड सब खट 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 करके हो गए ऐसी जो है मश्री होर का म्यूजिक मैंने उठाया हारमोनियम और जो है खट 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 करके हो गए सारे गाने और मुझे लगा कि मैं ये भी कर सकता हूं जबकि म्यूजिक को ऑक्यूपेशन बनाने का मेरा कारगिज इरादा नहीं था ना तब मेरा कारगिज इरादा नहीं था कि मैं इस पूरे इंटरव्यू में एक बार भी आपसे कि पीयूष भाई सुना दीजिए पर ये चूंकि आपका बनाया हुआ पहला गाना है तो इसके तो शुरुआती बोल मुझे सुनने हैं इश इश ये रक्ष में हुआ ई शिशि ई श्रद्धे वे पाया ही रौनक वाना ई रक्ष में हुआ ये पार्सिवले था हाँ तो उसका गाना था और ये वाला एक हैं हम कमाल हैं हम जमाल हैं हम कमाल हैं हम जमाल हैं हम कमाल हैं हम जमाल दोनों देसा मेरे बड़े लसानी लसानी और बेमिसाल दोनों बहादुर बड़े लला लसानी और बेमिसाल हैं हम कमाल हैं हम जमाल हैं हम कमाल हैं जंग है, से भागे जो कोई जवा हम उसके आगे खड़े हैं हां जंग से भागे जो कोई जवा हम सबसे आगे खड़े होते हैं मंदिर की घुड़की में बीदड़ की घुड़की में जानी हमारा है कोई कहाँ बंदर की घुड़की में गड़ की भफकी में सानी हमारा है कोई कहाँ करते हैं जैवों को जन्मे करते हैं शेरों को दम्बे पमाल हम कमा रहे हैं हम जमा रहे हैं हम कमा रहे हैं हम ये था चालीस साल पहले था चालीस साल पहले था क्या कमाल था चालीस साल पहले था ये सब टिका रह गया दिमाग में पता नहीं मेमोरी मेरी अच्छी है तो इसलिए जो टिक जाता मेरे दिमाग में ये था मैं पैदा हुआ था उस साल अच्छा तुम सुना नहीं गाना पहली बार सुना ना आपसे मुझे लगा तुम चालीस साल पहले सुन लिया होगा पद हुआ होगा तब <laughs> तब मैं दिल्ली में नहीं था ना आ, ये था यार ये था मुझे वो ध्यान आ रही है कि जबकि मैं वो एक लौता लड़का था जो अपनी पास आउट स्पीच में कह रहा था कि मुंबई जाऊँगा सिनेमा मैं जब था हाँ जब मैं पास आउट हुआ था एन से तो मैंने कहा था कि मैं जब उस वक्त मुंबई जाने को पाप समझाया करता था कि पाप करोगे अगर टीवी ज्वाइन एन एस डी निकलने के बाद में कौन कौन था आपके बैच में आगे पीछे कोई बैच में जानते नहीं हो किसी को बन नहीं पाया मतलब कोई बन नहीं पाया आगे पीछे के बैच में हर गुरुजीत था दिनेश खन्ना था आपने जिक्र किया दिनेश खन्ना दिनेश खन्ना का मतलब बापी बोस था उनमे से बहुत कम लोग काम कर रहे हैं और बहुत तीन बापी बोस तो एक्टिव रहे हैं तीन तो निकल लिए उसमें से तीन लोग तो निकल लिए और आगे पीछे के बैच में एक साल जूनियर था इरफान खान नीता वशिष्ठ इदरीस मलिक तीन साल जूनियर थे संजय मिश्रा दिगमांशु दूलिया निर्मल पांडे लेट सीताराम सीताराम पांचाल वगैरह नवनीत निशान ये लोग थे सीनियर बैच में जब आप फर्स्ट ईयर में थे हमसे दो साल सीनियर तो बहुत ही प्रकांड बैच था मतलब वो तो नाम लेने लायक नहीं है ऐसा गंदे बैच थे

यार मैं जब पढ़ रहा था थर्ड ईयर में तो मैं पास आउट होने में मेरे तीन चार महीने बाकी थे मैं दो महीने बाकी थे तो मेरे डायरेक्टर ने मुझे अपने उसमें रूम में बुलाया तो मैं मैं अच्छा मैं बड़ा हसीन लड़का था मैं अपने जमाने में बहुत खूबसूरत लड़का था ये पहले बतला दूँ मैं बहुत सुंदर लगता था उस वक्त तो मेरी जो जर्मन जबड़ा था और जो यूनानी नाक थी तो उसको जो है बड़ा कंपेयर किया जाता है कि यार बड़ा क्या क्या फिर से बताइए क्या था यूनानी नाक और जर्मन जॉ जो एन एस डी में कई बार जाता है ना फीचर्स आके जाते हैं ना फीचर्स तो जर्मन जॉ था मेरा एन एस डी के आंकड़े के हिसाब से और यूनानी नाक थी रोमन नोस थी तो बुलाया मेरे को जो है मैं गया डेल्टे चैम्बर में तो वहाँ पर एक बूढ़े सज्जन बैठे हुए थे तो मेरा परिचय कराया कि भाई ये अब मैं नाम ले लूँगा ये बड़े डायरेक्टर हैं और ये अपने बेटे को लॉन्च कर रहे हैं बतौर डायरेक्टर के सूरज बड़जात्या के पापा थे अब जो भी थे लेकिन मैंने नाम नहीं लिया उसका हा? नाम नहीं लिया उन्होंने कहा कि हम ये एक फिल्म बना रहे हैं जिसका नाम है मैंने प्यार किया और लड़की की खोज हो चुकी है और लड़के के लिए ये एनस्टिया हैं तो मैंने तुम्हारा नाम लिया था तो बड़े देख कर मुतासर हुए कि यार क्या, क्या क्या नाम है आपका मैंने कहा पीयूष मिश्रा कब निकल रहे हो यहाँ से मैंने कहा दो साल बाद दो दो महीने बाद कहने निकलते साथ ही बॉम्बे आ जाओ और आप मेरा कार्ड लो ये राजकमल कला मंदिर का और तुरंत देवी में दफ्तर है महाप्रभा देवी में दफ्तर है तुरंत वहाँ पर आ जाओ तुरंत वहाँ पर आ जाओ तो मैंने ले लिया मैंने कहा ठीक है चला जाऊँगा और फीचर उनने बहुत बड़े पसंद आए उन्होंने कहा आपको कोई को, 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 फोटोग्राफ है तो मिस्टर महर्षि बोले मैं दे दूंगा तो फोटोग्राफ हमने दे दिया तो बाहर आ गया उसके बाद पंद्रह दिन बाद मिस्टर महर्षि में फिर मिले गलियारे में उन्होंने कहा तो वहाँ से फ़ोन आया तुम चले जाओ तुरंत जाओ अगर एन बीच में छोड़ना पड़े तब तो भी चले जाओ तुम तो मैंने कहा कि जो है मैं चला जाऊंगा सर मैं नहीं गया क्यों नहीं गया संगनी प्रसंग तब हो चुका था यार दिल में बड़ी बड़ी खटास थी साली पता नहीं क्यों दुनिया से नफरत हो गई थी तो मैं जो है इसीलिए नहीं गया संगनी प्रसंग हो चुका था तो उसके बाद फिर मैं नहीं गया तीन साल बाद गया तो वहाँ बड़े सलमान खान थे वहाँ पर पैदा हो चुके थे तब पिक्चर की वजह से गया यार अच्छी बात लेकिन तब तो अगर चला जाता मैं तो ये काम नहीं कर पाता जो मैंने काम किया बाद में थिएटर सफर है सबका अपना सफर है एक सीरियल था तो बच्चे हो गए तुम लोग पैदा भी नहीं पैदा भी नहीं हुए था उसमें सईद अख्तर मिर्जा बड़ा नाम था उसके आखिरी एपिसोड में जो है उस वक्त सीरियल आने नहीं शुरू हुए थे यहाँ पे इंसान तो बहुत हिट सीरियल था। तो इंतजार में कास्ट किया गया मुझे उसके लास्ट एपिसोड में तो उसका फोन आया तो चला गया मैंने कर लिया वापस आ गया वही कहानी है यही तो मैं कह रहा था इंट्रो में आप सब झटक देते हैं पानी की तरह आ, फिर एक्ट वन। एक्ट वन वो, वो उसके सी क्या केस के बाद में आया फिर एक्ट वन था एक्ट वन में तो मैं आया तब आपके एन के शर्मा ने प्ले कर दिया था नेटुआ उसके बाद फिर हम लोग लग गए हम लोगों ने बहुत सुना जरा नेटवर्क तो के बारे में बताइए नेटवर्क के बारे में था नहीं यहाँ पर मैं तो बॉम्बे में था मेरे से मैंने एक साल एक साल बाद ज्वाइन किया ना मैंने मेरे टाइम में हुए आपके मतलब हमारे दौर में जब शहर हमारा सोता है महाकुण का मादान ये जो जिंदगी है ना लाइफ एंड टाइम्स ऑफ गैलीलियो झीनी झीनी मैकी मैकी सीली सीली माधवी ये सब हमारे टाइम में हुए

हाँ हाँ नहीं नहीं नाराज नहीं हूं मैं मतलब ये बात सही है कि उसके अंदर थी क्षमता और दोस्त भी था वो बड़ा गहरा दोस्त था अब भी पर ये कितना तकलीफ दे वाक्य है दोस्त था दोस्त है अब भी है मतलब आप यार कई बार जो है दो बंदे नहीं मिलते तब भी जो दोस्ती बनी रहती है न जरूरी है हमारे बीच में कि जब कई बार दो बंदे नहीं मिल रहे तब भी दोस्ती है मेरे ख्याल से मेरी तरफ से जो है उस तरफ से है नहीं मुझे मालूम नहीं मेरी तरफ से तो है मैं अभी तक हूं उसका दोस्त शंपा चौधरी आई थी मेरी जिंदगी में बिरजू महाराज की शिक्षा थी उसने जो है तो क्या होता मतलब हम लोग कहाँ जाते सारे इश्क हुआ करते थे वहाँ पर तो उससे हुआ गया हमारा बहुत बहुत सुंदर बहुत सुशील लड़की थी चली गई लेकिन मैं तब बिल्कुल निष्ठुर था तो मैंने मना कर दिया कि मैंने कहा अभी तो मैं काम करूंगा शादी वादी कुछ नहीं करूंगा तो चलेगी कलकत्ता रोते हुए फिर शादी हुई तो उसका आया कि मेरी शादी हो रही है मैंने कहा यार शुभकामनाएं और और क्या और क्या वाला किस्सा हमने सुन लिया। ये, ने, में हुआ, सब कुछ नाटक लिखने का सिलसिला में काफी सारे प्लेस लिख लिए उजला ही उजला उजला ही उजला शहर होगा ये ओरिजिनल मैं बेसिकली तो अडेप्ट करता था तो जो है मतलब वो एक तरह से नया लिखना ही होता था तो मैंने देखा जब करते हैं इतना सारा करते हैं तो वो भी एक तरह से ओरिजिनली होता है तो मैंने कहा कि ओरिजिनल नाटक लिखते हैं तो पहला नाटक लिखा जो है मतलब ये ओरिजिनल बाज, बाज बाजू था मेरा उसके बाद ये जो जिंदगी है ना बिल्कुल ताजा नाटक था वो ऐसा करके करके ओरिजिनल नाटक लिखते चले गए और फिर एल आपने नाटक किया था पत्थर दे दे पत्थर लिखा था हुसना जिसमें था हुसना गाना क्या नाटक क्या था वो पत्थर अनाद है जिसमें कि लड़कियां होती हैं लाहौर में जब कांड होता है पार्टीशन का तो सब जो है अलग अलग फैल जाती हैं मतलब लाहौर में सब बढ़ जाती हैं अलग 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 जाके गिरती हैं पार्टीशन उसमें जो हुसना एक लड़की होती है वहाँ रह जाती है लाहौर की होती है उसको पार्टीशन याद रहता है वो पार्टीशन का बहुत मतलब झिरी हुई लड़की है तो वो जो है मतलब उसके बाद 20 साल बाद आगरा में एक लड़की की लड़की की शादी होती है लड़की की बेटी की शादी होती है वो सब मिलती है वहाँ पर और पुराने वक्त को याद करते हैं तो पुराने वक्त को याद करती हैं तो मालूम पड़ता है कि इतने मतलब ये सब थे तो एक लड़का होता है जावेद जावेद करके उसका मंगेतर होता है जो कि लखनऊ में आता है पार्टीशन के बाद में। तो जावेद की शादी हो चुकी है उसके बच्चे भी हैं तो जावेद यहाँ से ख़त लिखता है हुसना को वो था वो ख़त हुसन जो गाना है ना लाहौर के उस पहले जिले के दो परगाना में पहुंचे वो गाना जो है वो बेसिकली वो ख़त है तो वो ख़त लिखता है कि उस पाकिस्तान में हुआ क्या जो नया नया मुल्क बना पाकिस्तान नाम का इस पाकिस्तान में हुआ क्या एक्चुअली क्या चीज़ नई चीज़ हुई जिससे कि इसे हिंदुस्तान से अलग कहा जाए तो ऐसा करके जो है ख़त है वो पूरा गाना तो लिखा मैंने एक आपने इसी लिखाई के क्रम में फनियर और खंजर का जो जिक्र किया है उसमें आपने एक लाइन के काटे जाने को रेखांकित किया है जिसपे आपकी और एन के की बड़ी हाँ हाँ उसने कहा मतलब वो बेसिकली यार पता नहीं क्या मतलब आप मुझे एतराज़ नहीं है इसमें कम्यूनल हारमोनी में, में वगैरह मुझे एतराज नहीं मेरे मुस्लिम बहुत गहरे दोस्त हैं बहुत अच्छे दोस्त हैं मैं बाफरकेट भी नहीं करता लेकिन पता नहीं क्यों जो है मतलब वो इनके लेफेस्टो का चलन है कि प्रो मुस्लिम प्रो मुस्लिम प्रो मुस्लिम हमने आज तक कभी फ़र्क महसूस नहीं किया मतलब प्रो मुस्लिम प्रो मुस्लिम प्रो हिंदू क्या होता है हमने आज तक कभी फर्क महसूस नहीं किया हम जो है मतलब समान दर्शक रहे लेकिन उनका जो था उसकी जो है हिंदू धर्मांध होते हैं मुस्लिम जो अच्छे होते हैं अरे यार क्यों बोलते हो ज़बरदस्ती मुस्लिम अच्छे होते हैं क्यों बोलते हो हम भी जानते हैं अच्छे होते हैं हम भी हमने हमने तो कोई गाने की हिंदू खराब होते हैं या मुस्लिम खराब होते हैं तो मानो आपके मतलब नाटक कर रहे हैं बहुत बैलेंस नाटक कर रहे हैं तो वो उस पर जो एग्रीमेंट नहीं था उसका फिर बहुत तानाशाही बहुत बढ़ गई थी बहुत बढ़ गई थी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी मतलब इतनी की सहन नहीं होती थी फिर उसने कह दिया कि तुम्हारा योगदान क्या है पिछले पांच साल उन्होंने किया में पिछले पांच साल में तुम्हारा योगदान का है तो मैं अपना योगदान क्या गांधा हूँ उसको तो पर इन सब के बीच प्रिया मिली। प्रिया मिली मिली आपने लिखा है लिखा है मैंने तो प्रिया मिली अब शैलेश कौन है <laughs> <Huh>. <laughs> जो भी है बहुत मशहूर होने वाला है

तो इसलिए मैंने जो व्यक्त कर दिया उसमें तो उसके बाद फिर हमने शादी कर ली शादी भी बड़ी ख़राब हालत में हुई शादी कर ली जिस दिन शादी करी उसके उसकी उसी के दिन उसी दिन मैंने एक्ट वन छोड़ दिया उस दिन मैं गया था एक्ट वन मुझे याद है एन के बैठा हुआ था तो मैंने जो है मतलब उसने मेरी तरफ तो ध्यान नहीं दिया और उसने कहा कि अगर तुम मेरे बिना एक्टिंग कर गया तो मैं तेरी टांग के नीचे निकल जाऊँगा जिसका मशहूर डाला तो मैंने कहा ठीक है निकल जा लेकिन अब मैं जा रहा हूँ फिर वो निकले बाद में टांग से बाप पता नहीं क्या अब तो फिर एक्टिंग, तो एक्टिंग कर तो रहे हो एक्टिंग तो आप कर ही रहे हो हैं एक्टिंग तो कर रहा हूँ मैं मालूम नहीं उसकी बातें ज्यादा नहीं करते यार मैं वो बहुत गहरा दोस्त था और वाकई था उसकी बातें ज्यादा नहीं करता पर वो दौर जिसमें आप चिल्ला रहे हो अबे तो एक्टिंग कर लो जिंदगी निकल जाएगी वो शराब पी के हाँ वो तब मीनिया था मतलब आपकी मीनिया था एक्टिंग के एक्टिंग एक्टिंग का मैनिया था यार मुझे एक्टिंग का मैनिया था मतलब शराब पी के बड़बड़ाना को शराब पिलाना एक्टिंग करना एक्टिंग नहीं करोगे तो मार डालूंगा एक्टिंग का मैनिया था मेरे को मतलब माइक्रो लेवल तक जानना चाहता हूँ मैं एक्टिंग के बारे में तो सबको शराब पिलाना एन एस डी के हर बैच को शराब पिलाई है मैंने ये बोल करके एक्टिंग करो एक्टिंग सीखो एक्टिंग जुट जाओ एक्टिंग में यहाँ से यही चीज़ निकलेगी तो यही था बड़ी उर्वशी भी तो थी इसी सब के बीच उर्वशी थी हाँ वो निफ़ मैने लड़की थी वो खुद ही बोला करते थे अपने मुँह से कि जो है, मैं सर दो से अधिक मर्दों के बिना नहीं रह सकते और मेरे को ये जो है बीमारी है ये और ये बीमारी टैबू है हिंदुस्तान में और मेरे अंदर मजबूरी है मैं और बाप को बहुत प्यार करती हूँ आपको सरदर्द हो जाएगा खरौच में लग जाएगी तो मैं आ जाऊँगी लेकिन मैं जो है मर्दों के बना नहीं रह सकती तो उसके बाद में फिर वो चली गई उसके बाद में कहने लगी मैं वो यहाँ पर आर्ट कॉलेज में थी आर्ट कॉलेज जो है तिलक रोड पर ना यहाँ पर थी तो उसके बाद फिर जो है मैं जा रही हूँ सर आपके मतलब बहुत हो गया मैं मेरे परिवार ने मुझे त्याग दिया है अब मैं यहाँ से जा रही हूँ तो वो जो है हिमाचल चली गई धर्मशाला में जो है बौद्ध वाण्टी थी तो वहाँ पर कहने लगे भिछोड़ी बनकर रहूँगी तो वहाँ जा रह रही है वो उसके बाद बातें हुई खत वगैरह भी आया उसके तब मोबाइल शुरू हो चुका था

एक फरमान दिया कि किताब पे बात करना अब तो इतना तो मैंने सोचा कि रज के पहले बुक पे ही बात तो करने। रज के इतना इतना कड़ा फरमान थोड़ी था वो सॉरी बातें कर लो आपको टेंशन नहीं बुक हो गया सारा बुक हो गई यार बुक हो गई यार द लास्ट लॉयलिस्ट ऑफ इंडियन थिएटर हैज बैग्स

बोलो 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 बोलो। को कोडे मारने वाला सीन उसका अरे क्या? यार अनुराग या कश्यप है अनुराग कश्यप ने बड़े बड़े फैला रखे हैं जिंदगी में मेरा पूरा शूट खत्म हो चुका था उसका कॉल आया कि आप आ जाओ पीयूष भाई शूट खत्म हो चुका था शूट खत्म हो चुका था मेरा नरेशन खत्म हो चुका था रिकॉर्ड हो चुका था कि आप आ जाओ फिल्म सिटी आ जाओ मैंने क्या है कहना शूटिंग है तो मैंने कहा सर अभी तूने बनाई है पिक्चर अब दू दूसरी शूटिंग भी शुरू कर दी कह लगे नहीं गैंग की शूटिंग है तो वहाँ चला गया कुर्ता पहन के आना तो वह कुर्ता पहन के चला गया उन्होंने कहा वहाँ गया तो उन्होंने वहाँ पर एक कोड़ा रखा हुआ था इसने हाथ में कहने लगा कुर्ता उतार दो तो मैंने कहा तुमने कहा था कुर्ता पहन के आऊँ मैं कुर्ता क्यों उतार दूँ कह लगे उतार दो आप उतार दिया मेरे हाथ में पकड़ा दिया कोड़ा अब आप इसको अपने आप को मारो अरे मैंने कहा क्यों मारूँ क्या है सीन क्या है बतला तो मुझे नहीं नहीं आप मारो मैं अलग, अलग अलग एंगल से शूट कर लूंगा और जहां मर्जी होगी मैं डाल दूंगा उसने फिर वही किया उसने नवाजुद्दीन की शोहरात पर डाल दी <laughs> 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 तो वो ऐसी हरकतें करता है अनुराग के बारे में जो है मतलब उसकी अगर शूट अगर पंद्रह दिन हो जाए और कोई भी जेल नहीं गया हो तो मुझे विड्रॉल वेड्रॉल समझ जाते हैं कि यार पंद्रह दिन हो गई अनुराग की शूट और कोई जेल नहीं गया हर जगह मतलब आपके बिना परमिशन शूट करना उसका खास शगल है हमेशा पुलिस आती है पकड़ के ले जाती है लोग और उससे जो है मेरे संबंध ऐसे हैं कि पंद्रह साल छमाशे में एक बार मिलते हैं हम लोग पंद्रह मिनट के अंदर एक एक सिगरेट में और एक कॉफी कप में संबंध खत्म हो जाते हैं कि अब मेरे पास बोलने के लिए कुछ रहा नहीं है तेरे पास भी नहीं रहा होगा तो मैं चलता हूँ ख्याल मिलते नहीं है पॉलिटिकल व्यूज़ मिलते नहीं है इथिकल व्यूज़ मिलते नहीं है इमोशनल व्यूज इमोशनल व्यूज़ मिलते हैं वो एक अजीब जगह फंसा हुआ है गड़ा हुआ है कहीं गले की हड्डी की तरह से कि ना उगल सकता हूँ ना निकल सकता हूँ ये संबंध है उससे मैं बहुत अधिक बैठ नहीं सकता उसके साथ में बहुत अधिक बा... बातें नहीं होती करने के लिए ना वो सिनेमा बफ है मैं पिक्चर देखता ही नहीं मैं सिनेमा देखता ही नहीं तो बातें नहीं होती करने के लिए मैं क्या बातें करूं उससे तो इस तरह की चीज है वो जी आपके जितने अजीज थे उनके साथ आपने पॉलिटिकल डिफरेंस की बात की चाहे वो अनुराग कश्यप हो या रैना साहब तो ये कौन सी पॉलिटिक्स है जिससे डिफर कर रहे हैं आप अपने से? वो क्या पॉलिटिक्स है अगर मुक्तिबोध के फरमे में सवाल को ढाल कर पूछे हैं, तो -मिश्रा की पॉलिटिक्स क्या है कुछ नहीं, यार, अब तो कुछ नहीं अब है और कुछ नहीं पॉलिटिक्स नहीं अब है राज्यसभा के मोह में पड़ गए हैं किसने कहा आलोचकों ने कहा पद्मश्री के मोह में काश की हो जाए हाँ? अरे नहीं यार्यूज बहुत, बहुत तो तो न्यूजी अगर हो जाए तो बहुत बढ़िया है बात है यार, क्या बात? लगता है कि ये पीयूष मिश्रा पे कि वो वामपंथी से दक्षिणपंथी हो गए हैं ये नहीं गलत बात मैं मानता हूँ आपके श्रीमती गांधी के बाद में राजनीति देखा है ना वो मैंने मोदी को देखा पहले इंदिरा गांधी फिर नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी राजनेता जिसे कहते हैं ना राहुल गांधी बड़े सच्चे आदमी हैं यार मुझे बड़े अच्छे लगते हैं बहुत भोला आदमी है अच्छा खासा बैकग्राउंड है अच्छे खास संस्कार है खानदानी आदमी है बाप का नाम सला राजीव गांधी दादी का नाम इंदिरा गांधी पर नाम पंडित गांधी पंडित नेहरू मतलब सब संस्कार अच्छे हैं और उनमें डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसा स्किल होगा जो कि बहुत बढ़िया कर सकते होंगे वो कोई ना कोई स्किल होगा लेकिन अफसोस कि उनके आसपास वाले बतलाना आसपास वाला कोई बताने के लिए नहीं उनको कि यार आप पॉलिटिक्स आपके लिए नहीं बनी यार मुझसे अगर बोले कि तुम खाना बनाओ तो मैं एक कप चाय के आगे नहीं बना सकता लेकिन मैं क्रिएटिव बहुत बढ़िया कर सकता हूँ नरेंद्र मोदी में क्या देखा आपने कुछ देखा यार कुछ तो देखा चाणक के देखा विद मिले कभी नहीं कभी नहीं मिला आज तक नहीं मिला और नहीं मिलना चाहता हूँ मैंने खाली मतलब बोल दिया दैट्स ऑल मैं मिलना चाहता हूँ मतलब जो जिस बंदे को आप पसंद करो जरूरी नहीं कि आप उससे मिलो तो ऐसा कुछ जो है मेरे को अवार्ड शवार्ड देने की जरूरत भी नहीं है मुझे अच्छे लगते हैं नरेंद्र मोदी एज अ प्राइम मिनिस्टर एज अ राजनेता मतलब और कौन है मैंने श्रीमती गांधी के बाद में श्रीमती गांधी थी उसके बाद में कौन किसको देखा है मैं किसको मानूँ किसी को नहीं देखा मैंने किसी को नहीं देखा इनके अपने कर्म होंगे अच्छे बुरे कर्म होंगे पॉलिसीज़ होंगी अच्छी ख़राब पॉलिसीज होती हैं वो हर जब श्रीमती गांधी थी तब हम थे जिंदा हम जवान हो रहे थे उस वक्त उस उन पर इल्ज़ाम लगते थे बड़े इल्ज़ाम लगे उन पर ये अच्छा किया है ख़राब किया डुबा देगी देश को और ये करेगी लेकिन देश को बचाया उन्होंने काफ़ी काफ़ी जगह बचाया इमरजेंसी लगाई उस पर उन्होंने बहुत इल्ज़ाम लगे कि जो है तानाशाह हो गई हैं ये हुआ वो हुआ वो सब भी हमारे आँखों के सामने हुआ तो ऐसे इन पर भी लगते हैं अच्छे लगते हैं मुझे मतलब राजनीति देखिए चाणक्य शास्त्र में ना एक चीज़ होती है दो नंबर की विमानी और एक चीज़ होती है एक नंबर की विमानी एक नंबर की विमानी श्रूडनेस क्लेवरनेस शातिरपना ये तो पॉलिटिक्स में होगा हो ही होगा बस बिना इसके पॉलिटिशन नहीं हो सकता कोई बंदा भोला बंदा पॉलिटिशन नहीं हो सकता ये तय बात शरीफ बंदा पॉलिटिशियन नहीं हो सकता ये उस उसकी डिमांड है एक्चुअली और इन चीजों को पॉलिटिक्स में अच्छा कहा जाता है कि हाँ ये अच्छी बात वो है वो, सब है मैं। वो मैंने बहुत गौर बहुत बहुत बहुत, इस पे बहुत बात होती है कि मुंबई में जो पॉलिटिक्स हो रही है कि कोई कहता है कि साहब मन की फिल्में नहीं बना पा रहे कई लोग बोलते हैं ओटीटी टी के ऊपर प्रेशर इस तरह के एलिगेशन भी लगते हैं नहीं है यार कौन बोल रहा है उड़ाई जाती है नहीं है या बाइकउट बॉयकॉट यार बॉयकॉट कहा हुआ है किस फिल्म का हुआ है हाँ. मतलब लाल सिंह चडा खराब फिल्म थी सी देखी नहीं गई जो खराब फिल्में हैं वो नहीं दिखी जाएंगी यार खराब फिल्में नहीं दिखी जाती और जो जिनकी आप पब्लिसिटी कर दोगे अब ये पठान है पठान को आप खराब फिल्म कह दो लेकिन देखी गई चली चलवाई शाहरुख ने उसको अपना करिश्मा है चार है जबकि उसको इतना बायकॉट किया बा, गया बा, था लेकिन उसका चर्म अपना करिश्मा है चलवाएगी फिल्म चलिए बॉक्स ऑफिस हिट है बात खत्म हो गई तो ऐसे बॉयकॉट से कोई फर्क नहीं पड़ता अगर पिक्चर अच्छी होगी तो चलेगी आप जाते हैं फिल्मों की की सक्सेस सक्सेस में मैं फिल्म नहीं जाता पार्टी तो बात की बात है अपनी में भी नहीं, nain, nain, नहीं जाता नहीं नहीं अपनी फिल्म में जाता मैं, मैं पिक्चर करता हूँ छोड़ देता हूँ आगे बढ़ जाता हूँ पिक्चर करता हूँ और छोड़ देता हूँ आगे बढ़ जाता।, जाता आप तो अमिताभ बच्चन की भी पार्टी से ऑटो पकड़ के निकल जाते हैं एक ही बार गया था यार हो गया था उनके यहाँ पर मैं हो गया था इतनी बड़ी पार्टी में जाते घुसते ही ओल्ड देखने लगते हैं नहीं 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 महंगी तो महंगी स्कॉच रखी वाइन रखी क्या कर रहे थे बताइए जरा विस्तार से से उस दिन टल्ली हो गया था मैं एक्चुअली ठीक आपसे तो। क्या जाते ही नहीं यार जाते नहीं नहीं बच्चन साहब मेरे पास आ गए मुझसे बात करने लगे भाई कैसे हो कैसे नहीं ट्रांसलेशन पे बात करने लगे ट्रांसलेशन जो था उस पर बात करने लगे किताबों का ट्रांसलेशन तो मैंने कहा सर ठीक है सर बढ़िया बात है मैं झेल नहीं पा रहा मैं मतलब तो मैंने कहा बहुत हो गया तो ती 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 चुका हूं। मैं इतनी क्या बात करूं। तो मैं जल्दी से गया मैंने कहा तीन था अरे पिंक की बथडे था ना इनका हाँ और उसी वक्त पिंक रिलीज हुई थी हाँ। तो पिंक की सारी उसमें सीन थे दोनों वकीलों के हाँ पिंक की सारी कास्ट को उन्होंने बुलाया था बड़े अच्छे होस्ट यार वो चारों बाबा मियाँ बीवी आपके बेटा बहू बहुत बड़े होस्ट हैं अच्छा तो बड़े वेरी प्रॉपर केयर ऑफ हम ही थे आपके उजड्डे पी गए वहाँ पर पी के फिर मैंने कहा कि अब बात नहीं हो रही रहीपारी सर मैं निकलूंगा यहाँ से तो मैंने कर लिया जी आजी मुझे घूर के देख रही थी कौन बदतमीज है ये तो मैंने कहा आप निकल लो तो अच्छा, अच्छा। वो नहीं जानती थी नहीं जानती थी जानती थी सब जानती थी लेकिन ये बदतमीज मतलब ऐसी बदतमीजी करेगा तो बहुत क्या बदतमीजी पी के यार पी लिया मतलब अच्छा टाइट हो गया था ना

जो कुछ तो होता है जितने डिसऑर्डर होते हैं ना उतने आप जीनियस होते हैं ये मैंने खुद देखा अनुराग कश्यप ने मुझे बोला था कि आप जब तक तो पीते रहोगे तब तो तक तो काम करते रहोगे तो हालांकि ऐसा नहीं था अनुराग 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 की वजह से जो है मैंने अनुराग नहीं अनुराग की वजह से ही मैंने मुझे लगा कि जब मैं पी पी के लिखता हूँ तो बहुत अच्छा लगता हूँ तो मैं एक बार मैंने कहा पी के लिखूँगा मैं आज तो मैं बार में गया और मैं छः पैग्राम के मंगवा लिए बड़े बड़े मैंने कहा ना रहेगा बांस ना बजेगी बाँसुरी क्यों बार बार ऑर्डर करें और मैं अपना पैड लेके गया साथ में कि मैं आज पी के लिखूंगा तो पी के लिखना शुरू किया मैंने कि देखते हैं कैसे होता है पी के सौरभ तेरी कसम मैं जो है आपके मतलब पहले पैक पहला पैक किया मैंने पूरी फिल्म के स्क्रीन प्ले मैं डायलॉग्स में लिख चुका था पहले पैक के बाद दूसरे पैक के बाद में फिल्म बन चुकी थी तीसरे के बाद में वो उसको ऑस्कर मिल गया था चौथे के बाद में लड़के मैं फोटोग्राफ मांग रही थी पाँच के बाद में गिरा हुआ था नीचे और सुबह उठ के देखा मैंने तो उस पर एक एक शब्द लिखा हुआ था सब फैंटेसी थी दिमाग की फैंटेसी तो पीकर मैंने कुछ काम नहीं किया वहाँ उस वक्त एलकोल लिया करता था मैं लेकिन पीकर मैंने कुछ काम नहीं किया पीकर मैंने कुछ क्रिएट नहीं किया पीकर मैंने कुछ गाने नहीं लिखे हो को लगता है कि पीकर मैंने कुछ काम किया लेकिन हाँ ये बात जितना परेशान थे ना उसमें क्रिएटिविटी बहुत हुआ करती थी जब संयत हो गए ना अब ध्यान दिमाग में आता है तो लगता है कि यार मतलब सब तरफ शांति रहे क्रिएटिव काम हो या ना हो लेकिन सब तरफ शांति रहे तो काम की तादाद जो है क्वांटिटी वाइज और क्वालिटी वाइज दोनों कम हुई सर नेपोटिज्म को लेके तमाम तरह के बात बातें होती हैं कोई एक पक्ष कहता है कि नेपोटिज्म नहीं है या एक पक्ष कहता है कि है मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या कभी आपको ने, नेपोटिज्म का सामना करना पड़ा है या आप इसको लेके क्या किस तरह का अरे नेपोटिज्म होता है या क्यों नहीं होता है मैं चाहूँगा ना मेरे बच्चे बेहतर से बेहतर कहा एजुकेशन पाए बेहतर से बेहतर काम पाए क्या बुरी बात है उसमें और ये लोग भी लॉन्च करते हैं अपने बच्चों को लॉन्च करते हैं लेकिन दुर्भाग्य से एक ही मतलब एक 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 दो बन, एक दो जगह ही यह सफल हुआ है रणबीर कपूर के मामले में सफल हुआ है वो एक्टर था क्योंकि आलिया भट्ट एक्ट्रेस है बाकी लॉन्च किए आउट हो गया मामला लॉन्च किए एक कितना लॉन्च कर लोगे आप एक फिल्म लॉन्च कर लोगे ना तो करते हैं बुर, बुर, बुरी बात क्या है इसमें अगर आपके पास पैसे हो तो आप कर लो तो लॉन्च कर दिया उन्होंने उसके बाद में कुछ रिजल्ट नहीं आया खराब एक्टर थे खराब एक्ट्रेस थी मैंने भी चाहा था मेरे बच्चे जो है फिल्म में काम करें मैंने उनको ट्रेनिंग देने की कोशिश करी थिएटर करवाया लेकिन बाद में उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि बाबा हमको स्पोर्ट्स में जो मजा आ रहा तो मैंने और मेरी बीवी ने कहा कि तुम जाओ स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स करो तो बड़ा बेटा स्पोर्ट्स में जो है मैनेजमेंट कर रहा है स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कर रहा है यूके से और छोटा बेटा कह रहा है मैं साइंटिस्ट बनूंगा तो मैंने कहा चलो साइंटिस्ट बनो तो नेपोटिज्म कौन नहीं चाहता मतलब कि कौन नहीं चाहता मतलब उसका बेटा अच्छा काम करे हर बंदा चाहता है जी अगला सवाल सर मेरा ये सवाल है अभी अल्कोहल को लेके बात हो रही है आ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अल्कोहल या किसी भी तरह का नशा मतलब एक ट्रांस की स्थिति में आपको ले जाता है और एक क्रिएटिव काम मुझे मैं जहाँ तक देखता हूँ मुझे लगता है कि वो भी एक ऐसी जगह ले जाता है आपको जहाँ पे आप खुद को ये दुनिया है इससे थोड़ा अलग फील करते हैं तो दो ट्रांस कैसे हैंडल होते हैं और क्या आपको लगता है कि ये जो बनाया हुआ है ये सब कि यहाँ शराब पी या जो भी चीज़ें हैं ये सब वो करके इंसान ज़्यादा क्रिएटिव हो जाता है आप इस बात को कैसे बिल्ड कर दिया गया है है? एक रोमांटिसिज्म बिल्ड कर दिया गया इन सब हाँ, हाँ, ये मैंने बोला जवाब इस बात का पी कर में कुछ काम नहीं कर पाया कभी भी लेकिन हाँ तंदरा आती है चरस पी के गांजा पी के शराब पी के एक तंद्रा आती है उसमें आप अपने आप को सेक्लूडेड महसूस करते हो दुनिया से तो उसमें अगर आप चाहो तो आप क्रिएट कर सकते हो उसमें मेरे ख्याल से गति बढ़ जाती है आपकी क्वान्टिटी वाइज क्वालिटी वाइज आपकी गति मिल जाती है आपको तेज काम करने की मैं नहीं कर पाया कभी मैं नहीं कर पाया हाँ जी बोलिए सर मेरा एक और सवाल है कि मतलब आपको जब देखते हैं तो आपने कंपोजिशन की है आपने गीत लिखे हैं आपने नाटक खेला है आपने एक्टिंग भी की है तो अगर आप से पूछें कि ये सारी चीज़ों में आप खुद को कहाँ पर अभी देखते हैं या आपके ज़्यादा करीब क्या है या अगर ये मैं पूछना चाहता हूँ कि आ। ये सवाल पूछा गया है कई बार मुझसे लेकिन मैंने इसका जवाब यही दिया है कि अब मुझे जो मिलता है कर लेता हूँ अब मैं जो है मतलब मुझे जो पर उठ चुका हूँ अब जो है जो मिलता कर लेता हूँ मैं करके आगे गुजर जाता हूँ मेरे लिए खाली कर्म है ये अनवरत कर्म अनवरत कर्म ये बात है कि मैं हर समय बिजी रहना चाहता हूँ हेलो सर मेरा एक सवाल है बीच में आपने जिक्र किया था कि मेरी माँ पर बहुत जुल्म हुए लेकिन वो बात बीच में थोड़ी अधूरी रह गई अगर आप बताना चाहें कि वो किस तरीके से वो जुल्म हुए ऐसी होते ना यार बेचारी गरीब देहातन महिला थी बेचारी और मेरी जो बुआ जी थी जिद्दा जो मेरे जिन जिनका नाम लिया मैंने उनकी तानाशाही थी घर में आपके मतलब उठो बैठो मुझसे पूछ मैं मे, मुझ पर भी होते वो अगर मैं बच गया उससे मुझ पर भी होते वो सारे जुल्म मुझ पर भी होते अगर मैं सर नहीं उठाता अपना तो मुझ पर भी होते मेरे पिताजी पर हुए मेरी बा पर हुए तो उस तरीके से जो है जब तानाशाह बहुत भयंकर तानाशाह बहुत भयंकर तानाशाह तो यही सब थे सर आपने कहा कि रणबीर कपूर अच्छा एक्टर है और आप फिल्में नहीं देखते जो आप खुद करते हैं वो नहीं देखते हैं तमाशा फिल्म आपने देखी है

जो बरसों बरस से जिनके भीतर ये ताप था संताप था कि वो कहानियाँ सुनाएं और तुम उसमें तर्क ना खोजो सुनो ठीक है ये भी हो सकता है आपका सकता अपना इंटरप्रिटेशन क्या था उस कैरेक्टर के नरेशन के बाद कितना आपने उसने इम्प्रोवाइज किया या हुबहु वही लाइनें बोल दी हुबहु सेड वही लाइन थी कुछ अपनी तरफ से नहीं जोड़ा घटाया कुछ नहीं जुड़ा था खाली परफॉरमेंस जुड़ा था उसमें अदरवाइज हुबहु वही लाइन थी जो उसने लिख कर दिया था मुझे और इसलिए जो है बहुत टेक उस बहुत सारे टेक्स हुए थे मतलब शुरू से लेकर आखिर तक की एक दो लाइन नहीं शुरू से लेकर आखिर तक क्यों आप बोलने में कुछ और बोल देते थे नहीं नहीं मैं शुरू से लेकर आखिर तक ए, एक लाइन बोलना मतलब आप जो लाइन लिखी थी वो यहां से इस पेज से ले लेकर उस पेज तक वही लाइन बोलना हुँ. फिर दोबारा वही लाइन बोलना फिर दोबारा वही लाइन बोलना ये जो है बड़ा मुश्किल होता है ये जो आपकी तो थिएटर की ट्रेनिंग है। फिर भी जो है मतलब याद रखना बड़ा मुश्किल होता है। उसमें बहुत सारा होता यार। ले रहे हैं, फिर ले रहे हैं तो फिल्म के किस कैरेक्टर को लेकर आपको सबसे ज्यादा रिस्पॉन्स मिलता है सबसे ज्यादा प्रतिक्रियाएं मिलती हैं एक तो ऑब्वियसली गुलाल होगा गुलाल है गैंग है पिंक है तमाशा है रॉकस्टार भी है मकबूल है लाल जी भाई काका हाँ हाँ वो है अभी थोड़ी देर पहले हम लोग जब वो एल एस आर के नाटक के सिलसिले में जिक्र कर रहे थे पाकिस्तान का तो आपकी एक फिल्म में आप एक पाकिस्तानी पुलिस अफसर बने हैं कभी आप गए हैं पाकिस्तान मैं गया इस्लामाबाद गया हूं। हाँ। क्या हुआ था वहाँ पे कुछ नहीं यार बड़ी अच्छी जगह है बस वहाँ पर बड़ी अच्छी जगह मुझे अच्छे लगे पाकिस्तानी बहुत अच्छे लगे एक्सेप्ट कीजिए वो लोग जो द, दबे हुए हैं मतलब उन पर जोर है आईएसआई का आई का हाँ। वो दुर्भाग्य से वहाँ के सिटीजन के तौर पर कभी पाकिस्तान को पहचान नहीं जाएगा बड़े बढ़िया बाशिंदे हैं लेकिन वहाँ पर जो है वो हमेशा जो है आईएसआई मिलिट्री रूल सियासतदान इनकी वजह से पहचान जाएगा पाकिस्तान को अदरवाइज अगर बाशिंदों की वजह से पहचान जाए पाकिस्तान को तो पाकिस्तान बहुत से लोग हैं बहुत शरीफ लोग लेकिन ये सेक्शन जो है उनका जो है इस्लामाबाद ही गए थे इस्लामा क्या प्रसंग था वो फिल्म फेस्टिवल था कोई तो वहाँ पर जो थोड़े छोटे थो मोटे इंट्रैक्शन हुआ आई एस आई से आई एस आई के बंदे मिले थे मुझे अच्छा नहीं रहा वो अच्छा पर्सन नहीं रहा हो क्या हुआ था अच्छा नहीं रहा मतलब क्या करता है तू मैंने कहा जी एक्टिंग करता हूँ एक्टिंग कर वहाँ जाके हिंदुस्तान में यहाँ करता है फिर मैंने कहा सर मैं वाकई प्रोफेशनल एक्टर हूँ इंडस्ट्री में काम करता हूँ अच्छा ऐसे बोलना ये एम्बसी के बाहर इंडियन एमबेस के बाहर तो साफ लग रहा था कि ये बहुत अक्खड़ है और ये आम पाकिस्तानियों से अलग है बाकी सब मोहब्बत से पेश आ रहे थे मोहब्बत से बहुत मोहब्बत थी यार हिन्दुस्तान के लिए बड़ी मोहब्बत थी उनके अंदर बहुत मोहब्बत हिंदुस्तान के लिए तो मर जाते हैं मेरी माँ थी लाहौर की ना अच्छा मेरी माँ लाहौर की थी इसलिए जो है मेरा भी था उसके लिए hmm. अगला सवाल yes, सर में एक छोटा सा सवाल है कि जब मूवी में आपको कोई करेक्टर मिलता है तो आप उस उस करेक्टर में आप कैसे उसमें ढल जाते हो उस में अब यार ये तो पचालीस चा, साल की ट्रेनिंग है ये इतना आसानी से किसी जवाब मैं ये तो लगातार लगातार एक्टिंग करते हैं एक्टिंग का प्रोसेस होता है पूरा का पूरा एक्टिंग का प्रोसेस होता है पूरा का पूरा ये तो बेटा इतना आसानी से बताना बड़ा मुश्किल है ना ये कान शर्मा से आप पीयूष पीयूष मिश्रा कैसे बन गए सर इन एक, आ, से। अरे तू तो मैंने बताया था ना मैं अपनी बुआ को गोद गया था इसके बाद फिर मेरा मन था कि जो है ख़राब नाम है मुझे अच्छा ही लगता था वो नाम तो मैंने कहा जो है आ रहा है रिजल्ट तो उसमें जो है नाम ही चेंज करवा दो तो मैंने शाम नाम चेंज करवा दी तो टेंथ की मार्कशीट जो है मतलब नाम बदल गया तो उससे जो है मेरा हो हाय हेलो सर मेरा सवाल ये है कि है ना आपने इतना सारा सिनेमा में काम किया है तो आपने आपका खुद का फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है जो आपने ऐसे सोचा हो कि ये, ये रोल करके मुझे मजा आ गया है था वो पिक्चर फ्लॉप हो गई के साथ पिक्चर अदरवाइज उसमें मुझे अपना काम बड़ा अच्छा लगा था क्या आपको उस काम में सबसे अच्छा लगा अब ये बोलना बड़ा। कि क्या अच्छा लगा था मतलब पूरा था। उसमें एक्टिंग पूरी, एक्टिंग का जो है, मतलब मुझे पीूष भाई को सोशल मीडिया पे हमने जब पोस्ट किया तो बहुत सारे सवाल आए उसमें से हमने कुछ शॉर्टलिस्ट किए हैं नीतीश और विजय ने पूछा कि आज तक मेरी समझ में नहीं आया एक बगल में चांद होगा एक बगल में रोटियां का मतलब क्या है मुझे बोलते बोलते मुझे भी सुनने नहीं आया नहीं वो तो रिकॉर्ड हो रहा है आपका रिस्पॉन्स हाँ हाँ ठीक है मुझे भी सुन नहीं आया और मैं अक्सर वही बातें करता हूँ जो मुझे समझ नहीं आती विशाल शाके का सवाल है कि पीयूष जी अच्छे कलाकार हैं लेकिन एक शिकायत है कि ये इतनी गालियाँ क्यों देते हैं देता हूँ अच्छा लगता है मुझे कौशिक कह रहे हैं कि अभिनय की बारीकियों को समझने के लिए एक्टर को क्या करना चाहिए चालीस साल बताने चाहिए अंबर कह रहे हैं कि नए लोग जो फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहते हैं उन्हें क्या ध्यान में रखना चाहिए कभी कभी संघर्ष लंबा हो जाता है और धैर्य से साथ छूट जाता है क्या सलाह है कर्म 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 करते 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 रहो करते रहो 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 काम सुहेल कह रहे हैं कि ये सुहाने दिन जरूर सुना देना पीयूष जी कब सुना सवाल है मैंने पढ़ दिया मेरे ना? बैंड के बैंड के परफॉर्मेंस अटेंड करो मैं सुनाता हूँ पूरा गाना सुनाता हूँ आयुषी का सवाल है पीयूष जी प्रणाम आपको रज़िया भी लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली हाँ। आपके बेबाक लेखन से प्रभावित हूँ वो सब सच है जो कुछ लिखा है उसमें सच है तो मैं एक वेश्या के कोठे पे गया था अपनी जवानी में उससे जो है मुझे ये इंस्पिरेशन मिली पूरी स्टोरी के आइडिया मिला शिवाय का सवाल है कि पीयूष जी आप एक लेखक हैं क्या साउथ की फिल्मों की तरह अच्छी स्टोरी लिखना बॉलीवुड के लेखकों की कलम और अच्छी सोच समझ वाली कहानियाँ जो समाज में एक वर्तमान स्थिति को देखते हुए एक मैसेज जाए लिख पाना संभव है क्या हुआ ये <laughs> सर्वेश्वर का सवाल है अगर कोई लड़का घर छोड़कर अभिनेता बनने निकलता है तो उसके अभिनेता बन जाने का चांस कितने फीसदी ये सवाल किसने शॉर्टलिस्ट किया यार बताइए मैं क्या बताऊं तुमने खुद ही बोल दिया सवाल वो कितना अभिनेता बनने के चांसेस कितने कितने फीसदी प्रफुल्ल का सवाल है कि बस एक सवाल जिंदगी में इतने उखड़े उखड़े क्यों रहते हैं आप मूड के यार मेरा मूड है जब अच्छा लगता है तो मैं सही हो जाता हूँ फिर जब खराब होता है मूड तो मैं उखड़ जाता हूँ उस पर कुछ टिप्पणी नहीं कर सकता रतन गुर्जर कह रहे हैं जिंदगी को ज्यादा व्यवस्थित किया या पत्नी ने क्योंकि तुम्हारी औकात क्या है पीयूष मिश्रा का किरदार किताब के ज्यादातर पन्नों में अंदर से खोखला लगता है लेकिन आखिरी के कुछ पन्नों में किरदार निखर कर और व्यवस्थित सा नजर आता है क्या जादू हुआ पत्नी ने आई लव दिस लंबा सा सवाल एक शब्द का आंसर खत्म किशन का सवाल है पीयूष जी की पसंदीदा फिल्म कौन सी है और ओ का रुख कब करेंगे कर चुका यार तुम लोग पिक्चर नहीं देखते क्या मतलब मैं कर चुका तीन चार ओ कर चुका मैं और पसंदीदा फिल्म है शोले और गॉडफादर दैट्स ऑल एक कविता सुना देंगे लाओ सुनाओ कविता सुनाओ क्या कविता सुनाओ है यार वो कहाँ है वो ये है नहीं नहीं वो तो एक है ये ये बच्चों के लिए प्ले लिखा था मैंने जंगल बुक से आगे हाँ इसीलिए तो जंगल बुक से आगे एक प्ले था उसमें था बच्चों का था वो मैं भिंडी का बच्चा आधा पक्का आधा कच्चा क्यों जिंदा मुझको अरे ये जैसे प्ले में था वैसे बताइए वो तो याद में नहीं है मुझे मैं भिंडी का बच्चा आधा पक्का आधा कच्चा क्यों जिंदा मुझको बतला दो जिससे कि मैं हो जाऊ सेटिस्फाइड वो दिल्ली गाइड मेरी खो गई है साइड मुझे ना हो जाए टाइफाइड अरे मैं ठंड में जमता रहता जैसे आइसक्रीम का कोन अरे मैं हरदम रोता रहता जब भी कड़के टेलीफोन जैसे बिगड़ गई हो टोन जैसे खड़के पॉपकॉर्न मेरा धड़क रहा है हार्ट कि जैसे पैसेंजर का इंजन हो और फड़क रही है आँख कि जैसे महरोली में टेंशन हो अरे मेरी हालत अब तो सीधे प्रेसिडेंट को मेंशन ये सुनना चाह रहे थे ये हमारी टीम के कुछ सदस्यों की गुजारिश थी क्या है जो पिछली आपने पढ़ी हाँ ये मेरी गुजारिश है जी जो कर गुजर तो बात है ना कर गुजर तो गम नहीं जो हर घड़ी में कर गया ऐसा कोई रुस्तम नहीं जो कर गुजरने की जो कर गुजरने की कही तो याद आती भीड़ की हाथों में नेजे साथ भाले सब जहाँ को चीरती अल्लाह अकबर श्री राम के गुम नारे गूंजते वो सर कटे धड़ खून की बौछार लेके घूमते क्या यही करने की फिक्र की फिक्र की आस में बैठा है तू एक खून दिथड़ी अंतड़ी के साथ में बैठा है तू मत फूल बदले की उम्मीदें साथ गर्तूल आएगा नुश्ता यहाँ आया था बस नुस्ता यहाँ से जाएगा छोटे बदन पे याद रख मोटी कटारें भोग के हवा के बेटी को अगर जलती चिता में झोंक के जो सोचता है कर गया तो ये तेरी भारी भूल है ये और किसमें ना हो तुझमें घुसा एक शूल है तकलीफ़ ये महसूस इसकी आज ना कर पाएगा ये आँख की लाली में थोड़ी कम तरी जुलाएगा तो होश बोलेगा तुझे ऐसा नहीं है आंकड़ा ये कुदरतों की दास्तां आँख से कुदरतों से है बड़ा ये जोश बदले की दिशा में ही तुझे ले जाएगा जो दो चिताएँ साथ होंगी फिर समझ में आएगा कि एक चिता होगी कि तेरे हाथ से चाकू पड़े और एक चिता होगी कि तेरी आँख आंसू चू पड़े दोनों में हवा की बेटी बस छटक के रो पड़े दोनों में ही हवा का बेटा सर पटक के रो पड़े फिर दास्तां ये बढ़ चलेगी कोई तो इंसाफ़ दो ये और ऊंचे चढ़ चलेगी कोई आओ कोई खास सो तो ख़ास भूलेगा कि मूर्ख क्या तुझे भाग गया कि जन्नतों और दूसरों दोसुग, दूसों की आस लेके आ गया जन्नतों और दोजगों का जो तस्वुर तो देखता वो झूठ है गलती है तेरी जो अगर तू देखता सब खाक में मिल जाएगा और खाक ही तू खाएगा अगर अब भी ना संभला तो गिरता और गिरता जाएगा अपने कर्म पे शर्म कर ले घए अगर इंसान तू कि यह भरम कि तू खुदा है यह भरम ना पालतू ये ईश्वर का हुक्म है भरपूर जिंदा रह सकें और ज़िंदगी का ध्यान कर थोड़ी इबादत कह सकें थोड़ी इबादत भी कही तो सर झुकेगा उस तरफ जिसने दिया है सांस लेने धड़कनों दिल धड़कनों का ये हक जो आंख मूंदी एक आंसू टप जो आंख मूंदी एक आंसू टप से गिर जाएगा ये ईश्वर अल्लाह को भूले भर सुकून सकूत पाएगा पछता के बस थोड़ा जरा सा रो दे रे इंसान तू ये जन्नतों और दो, जन्नतों दो जख़खों की बात सच जान तू ये जन्नतें और दोजखें सारी यही मौजूद हैं तेरे इरादे ताकती सारी क्या ही क्या ही खूब है

हाँ, वो, वो कहा करता था डिकेंस हाँ. की लाइन हाँ, करता था वो बहुत कहा करता था दिन तो याद आते हैं यार वो तो दीपक डोबरियाल मतलब जब आपने उनके पिता को समझाया था पूरा किस्सा क्या लिखा है जो था लिखा, है? जो लिखा था वही था उसमें हाँ दीपक डोबरियाल बहुत खराब हालत में था तो उसके पिताजी आए थे तो पिताजी ने उसका कमरा देख लिया था तो उसने कहा उन्होंने कहा था कि घर चलो वापस बस हो गया बहुत स्ट्रगल

मुझे मालूम नहीं मैंने दिलाया था नहीं लेकिन हाँ विशाल मेरी बात सुनता था उस वक्त तो उसको पसंद आ गया था वो एक्टर देखिए आप वेरी गुड एक्टर का जिक्र कर रहे हैं पिछले दिनों आपके शिक्षक राम गोपाल बज्जू भाई आए थे और वो भी आपकी बड़ी तारीफ करके गए बोले कि बहुत रेंज है आप सबकी लेकिन कुछ खास किस्म के रोल ही आप लोगों से रिपीट करवाए जाते हैं ठीक है यार पैसे देते पैसे तो मिलते हैं काम करने के मिलते हैं काम करने ऑन दैट नोट गेस इन द न्यूज रूम की यह बातचीत यहीं समाप्त होती है जरूरी तो नहीं कि हर बार अंतरों के बीच के गैप को भरा ही जाए यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए शुक्रिया थैंक यू सो मच